हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के लार्जेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म या बढ़िया सबसे बढ़िया स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी मेरे को आदत है यूपीएससी 101 बोलने की काफ़ी सारे लोग फेमिलियर होंगे नहीं होंगे तो उनको आज फेमिलियर कर देंगे आप सबका स्वागत है यार वेरी वॉर्म वेलकम एंड स्पेशली मैं सबसे पहले यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा देखो सुनील सर का ठीक है सुनील सर के धन्यवाद मैं क्यों करना चाहूंगा क्योंकि मैं आपको बता दूं यार काफी टाइम से ना हम ये सोच रहे थे कि कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कुछ किया जाए ठीक है ऐसा हम क्यों सोच रहे थे क्योंकि मैं और सुनील सर ये बैठ के हम एक दिन डिसाइड कर रहे थे कि यार हिंदी मीडियम के लिए लोग पढ़ा बहुत रहे हैं बहुत लोग पढ़ा रहे हैं ये क्लास वो क्लास बहुत सारी क्लास आ रही है यूट्यूब पे हो चाहे आपका कहीं पे भी हो बट वास्तविकता में क्या वो कंटेंट जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दैट इज इंपॉर्टेंट जोग्रफी के मैं देख रहा हूँ एन नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं एन नंबर ऑफ़ एजुकेटर्स हैं आई थिंक आवाज आ रही होगी आपको ठीक है फर्स्ट टाइम आपसे पढ़ रहे हैं थैंक यू यार थैंक यू देखो थैंक्स बोलना चाहिए हमें सुनील सर को सही बता रहा हूँ आपके और मेरे बीच की जो कड़ी है वो सुनील सर है मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि हिंदी मीडियम के लिए कुछ डेडिकेटेड किया जाए कुछ बढ़िया किया जाए सुनील सर से मेरी बात हुई सुनील सर ने मेरे से बात की और सुनील सर बोले यार ठीक है आप भी चाह रहे हैं कुछ मैं भी चाह रहा हूं कि मेरे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ठीक है बहुत सारे मैं उनको क्वालिटी कंटेंट देना चाहता हूं मैं ऐसा कंटेंट देना चाहता हूँ जिसमें उनका सिलेक्शन हो उन्होंने कहा कि आप एनवायरमेंट कराइए आप ज्योग्राफी कराइए और आप साइंस एंड टेक में मेरे साथ जुड़िए ठीक है जिसके माध्यम से हम बच्चों को एक अच्छा कंटेंट दे सके स्पेशली वो छात्र जो ग्रामीण एरिया से है जो हिंदी भाषा से है और हिंदी भाषा में उनको देखो हर आदमी को अधिकार है यार एक अच्छी शिक्षा का लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूं जब मैं यूट्यूब पे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो वीडियोस बनी हुई है मैं वो देखता हूं आई फील वेरी सैड इसमें देखो दोस्त सिर्फ एजुकेटर का नहीं है इसमें अगर हम बात करें तो दोस्त कुछ हद तक अगर हम देखें तो एक सिस्टम का भी है भारत का जो सिस्टम है आज भी अगर हम देखें तो कोलोनियल सिस्टम में हम चल रहे हैं ब्रिटिश जो है सिस्टम हमारा आज भी है तो आज भी हम अंग्रेजी भाषा के बिना जी नहीं सकते हैं सच बात है सोशल स्टेटस आपका अंग्रेजी भाषा बनाती है यूपीएससी में आपको अंग्रेजी भाषा लेके जाती है मेरा रोल क्या रहने वाला है आपके साथ इस तैयारी में देखो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ में जोग्राफी की एनसीआर ठीक है देखो यार स्ट्रैटेजी पार्ट ऑलरेडी सर ने करा दिया है कि क्यों जरूरी है आज सर अभी मेवाड़ यूनिवर्सिटी गए हुए हैं उनका ज्वाइनिंग वगैरह है तो सर वहाँ गए हुए हैं जैसे ही वो आ जाते हैं ना तो एक जबरदस्त मैं आपके साथ क्योंकि जिस दिन वो एन का सेशन होना था मेरे परिवार के अंदर में एक अनफॉर्चुनेट डिमाइस हो गया था तो मैं आ नहीं पाया था कोई गुजर गया था तो मैं वो सेशन उनके साथ ज्वाइन कर नहीं पाया था बट मैं अभी जैसे ही वो वापस आएंगे आप मुझे और उनको साथ देखेंगे एक साथ स्क्रीन के ऊपर और ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी वीडियो में लेके आ रहा हूं हिंदी मीडियम के ऊपर उनके साथ मिलकर कि आप में जान फूंक देंगे ठीक है देखो यार ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है मैं कह रहा हूं प्लैनेट और अर्थ के ऊपर में कि मैं और सुनील सर जो है हमें मौका मिला है आप लोगों को पढ़ाने का और मैं देखो कोई कसर नहीं छोड़ूंगा यूपीएससी वन जीरो वन मेरा चैनल है जोग्रफी वर, चार चैनल में ऑलरेडी काम कर रहा हूं पिछले बहुत साल से तीन साल होने वाले ऑलमोस्ट मुझे यूट्यूब पे आपके साथ मैंने अकेडमी से जुड़े हुए सो लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ दोस्तों मैं क्वालिटी के लिए डेडिकेटेड हूँ मैं आपको क्वालिटी दूंगा ऐसा कोई भी बच्चा जो बहुत तुरत फुरत का काम चाहता हो तुरंत फुरत समझते हो मतलब क्या है कि जल्दबाजी में आया ठीक है, है वो बस हाथ लगाने आया है, तो देखो यार वो मेरे से कुछ उम्मीद ना करे क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि जोग्राफी इस बच्चे को इसके बाद कहीं से ना पढ़नी पड़े ये पढ़ाएगा कितने ऐसे स्टूडेंट है यार जो हम मेरे से मेरे खुद के स्टूडेंट है जो, जो मेरे से पढ़ी है एंड दे आर टीचिंग समवेयर एल्स वो कहीं और पढ़ा रहे हैं मैं बस वही चाहता हूं कि जोग्रफी का तुम्हें मास्टर बना जो मैं पढ़ाऊंगा ना उसका मास्टर बना दूंगा तुम्हें इसकी मेरी गारंटी है अब ये देखो क्योंकि आप बहुत करते हो सर एनसीआरसीआर टी शुरू में एनसीआरटी से कर रहा हूं एनसीआर भी कर लो लेकिन जब मैं आपको अपनी असली जोग्रफी पढ़ाऊंगा मैं मां कसम खा के कह रहा हूं अगर तुम्हें दीवाना ना कर ना जोग्रफी का तो मैं पढ़ाना छोड़ो मैं पढ़ना छोड़ दूंगा ठीक है ये मैं सच बात बोल रहा हूँ और ये मेरा कोई

आप देखोगे पीपीटी मतलब ऐसा काम मैं करके लाता हूं ठीक है आपका पीपीटी में ऐसा काम होगा कि मतलब आप यूं कहोगे सर मजा आ गया देख के मजा आ जाएगा ठीक है वो काम हम करने वाले हैं अपने पास ऐसा कुछ नहीं होता कि पीपीटी कोई हल्की नहीं रहेगी आप देख लो ठीक है बहुत अच्छे कॉन्टेंट के साथ आपको पढ़ाऊंगा लेकिन थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगा देखो किसी भी तैयारी के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों पहला होता है उसका रास्ता कि करें कैसे ठीक है मंजिला आप पा लोगे रस्ता आपको बताना है बस ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम नहीं कर पाओगे तुम किसी से भी कर लोगे यार एक सही तरीका आपको सीखने की जरूरत है एक सही अप्रोच आपको सीखने की जरूरत है और दूसरा होता है हिम्मत मोटिवेशन परसिवरेंस आप बार बार गिरोगे परिरो सफर में बार बार गिरोगे बार बार लेकिन उठना पड़ेगा बार बार भाई लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं और आएंगी लेकिन फिर भी आपको क्योंकि आपने यूपीएससी की सोचा है आपने यूपीएससी की तैयारी करने का सोचा है मैं आपको एक अपना किस्सा बताता हूं मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कोई झूठ नहीं बोलता जब आपको कोई बोलता है कि द हिंदू पढ़ना है कैसी फीलिंग आती है बहुत बुरी फीलिंग आती है सब कुछ तो इंग्लिश में और गलती से अगर शुरुआत में एडिटोरियल पेज खुल जाए तो भाई साहब हक्के बक्के रह जाओगे सब कुछ इंग्लिश में स्टार्टिंग में देखने में ऐसा लगता है जैसे काला अक्सर भैंस बराबर कुछ समझ में नहीं आता मैं जब पढ़ने गया था ना मैं दसवीं क्लास तक इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में था हरियाणा बोर्ड से पढ़ाऊँ ग्यारहवीं बारहवीं भी में गलती से करना पड़ा जब कुछ अलग करना है ये इंजीनियरिंग नहीं नहीं बनी। तो मैं यूपीएससी की तैयारी करने चला गया अब जब मैं तैयारी करने गया तो पहले दिन जो था पहले दिन मेरे साथ कांड हुआ मैं कहूंगा कांड हुआ ये किसी के साथ हो जाए ना तो तैयारी करने की सोचता नहीं वो छोड़ के बैठ जाता है मेरे साथ पहले दिन क्या हुआ मैं आपको बताता हूं जब मैं क्लास में गया तो मेरे सर थे पंकज सर अभी पढ़ाते भी थे आपके साथ में तो मैंने उनसे जाके पूछा सर मैं हिंदी मीडियम से पंकज सर ने देखो कितने बढ़िया तरीके से मुझे कन्विंस कर लिया ऐसे करना नहीं चाहिए आज मैं सर की गलती मानता हूं पंकज सर जो थे उस समय इंग्लिश में ही पढ़ाते थे सर ने मेरे को कन्विंस देखो कैसे किया एक बात बेटा बेटा कुछ नहीं होता इंग्लिश हिंदी एक बात बता पंडित जवाहरलाल नेहरू को गुलाब पसंद था ये मैं इंग्लिश में बोलू हिंदी में कोई फर्क पड़ेगा मैं यार बेवकूफ़ बन गया वहीं पे मैं यार रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो मैं जानता ही और गुलाब को रोज कहते हैं बात खत्म उन्होंने ऐसे बोल के मेरे को चटका दिया मैं सोचा कि यार ऐसे ही है यही बात सही है गुलाब का भी पता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू का इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है मैं कूद पड़ा इंग्लिश में मैं जी इंग्लिश मीडियम में करूंगा तैयारी मेरा वो डिसीजन था ठीक है मैं तैयारी शुरू कर दी अब धीरे धीरे पोल पट्टी खुली हुई पहले दिन मैं क्लास में गया तो जैसे मैं थोड़ा सा क्लास में मैं लेट घुसा तो मैं जैसे ही गया तो सर पॉलिटी पढ़ा रहे थे प्रेसिडेंट तो सर की बातें हो रही थी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू मां कसम खा के कह रहा हूं भाई मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं पड़ता माँ कसम खा रहा हूं कोई बच्चा बोलेगा झूठ बोल रहा है सर नहीं आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिनको कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पता है क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान यार दो दिन क्लास होती रही मेरे को पता नहीं चला पहले दिन पैसे नहीं थे मैं बाहर जाके डिक्शनरी खरीदने वाला था साढ़े तीन सौ रुपए की दे रहा था पैसे नहीं थे तो मैं छोड़ा मैं आज नहीं कर लूंगा अगले दिन आया मैं फिर मैंने डिक्शनरी खरीदी तब देखा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भाई सब संविधान को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन तीन दिन से क्या चल रहा था समझ में आ रहा था कि राष्ट्रपति पढ़ाया जा रहा है बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या था समझ नहीं आ रहा था ये मेरा स्ट्रगल था ठीक है मैं आपको सच बताता हूं मेरे को पहले दिन बोला गया कि द हिंदू पढ़ना है मैंने माथे में हाथ तो मारा है ऐसे सच्ची बता रहा हूं अरे हिंदी मीडियम के छात्र हमने इंग्लिश कभी पढ़ा ही नहीं भाई हमारे गांव में अंग्रेजी अखबार एक ही आदमी पढ़ता था ठीक है वो पुराने टाइम के उनके बाप दादा तहसीलदार थे मैं उनसे पांच फुट दूर से निकलता था मैं भाई इंग्लिश का अखबार पढ़ता है पता नहीं क्या बोल देगा क्या पूछ लेगा इंग्लिश का अखबार पढ़ने वाले हमारे यहां माने जाते थे कि बहुत दिमागदार हैं बहुत तगड़े हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं मेट्रो वेट्रो में सफर करते थे तो ये जो अंग्रेजी वाले कीड़ा जिसको होता है ना यह क्या करते हैं ना जनरली ट्रैवलिंग में न्यूज़पेपर पढ़ते ही पढ़ते हैं तो वो मेट्रो में भी खोल के बैठ जाते तो मैं मैं बचता था यार दूर से निकल लू ठीक है यहां से ना निकलू तो ही सही है भाई पहले दिन जब मेरे को बोला गया ना दिंदू पढ़ना है मेरे तोते उड़ गए मैं द हिंदू छोड़ द हिंदी नहीं पढ़ा मैंने आज तक मैं कभी न्यूज नहीं पढ़ा द हिंदी नहीं पढ़ा हम न्यूज में क्या देखते थे गाँव के अंदर बाल सभा होती थी मैं देसी स्कूल का आदमी हूं भाई गांव के अंदर बाल सभा होती थी उससे पहले क्या होता था ना मतलब प्रेयर के अंदर में पांच न्यूज बोलनी होती थी तो सब न्यूज बोलते थे एक एक दिन मेरा नंबर आ गया न्यूज बोलने का का मैं मैं अखबार ले उठाया मैंने पता नहीं दैनिक अमर अमर उजाला उजाला आता आता था अमरुजाला था आता था फेवरेट उसमें फोटो ठीक है मैं जल्दी पहुंच के फोटो काट लिया करता बस मेरा एक ही पर्पज होता था हम अमर उजाला देखते थे और अमर उजाला का जो शनिवार का पेज आता था रंगीन वो बहुत बढ़िया उसमें से फोटो बहुत काटी है इतना ही था हमारे लिए खेल का खबर देख ली दो चार कि खेल पेज पे क्या लिखा है किसने क्या कर दिया इतना ही होता था हमारे लिए अब हिंदू छोड़ो था हिंदी नहीं पढ़ा मेरा नंबर आया खबर पढ़ने का मैं खबर देखो क्या लिख के ले गया हूं ठीक है पति ने पत्नी का गला काटा और उसको नहर में फेंकिया पति पे हुआ केस पहली न्यूज दूसरी न्यूज क्या थी सास और आ, सास और उसने ससुर ने मिलकर बहू को जलाया ठीक है ये खबर थी मेरी तीसरी ऐसी ऊटपट चटपटी चटपटी खबर मार के ले जा रहा हूं मेरी खबर हुई थी जो हमारा पीटीआई था वो आ इधर दो दिए दिए मेरा धर उसने वहीं पे दो मारे ठीक है अच्छा एक बात मैं बताता हूं मैं बहुत सोफिस्टिकेट होके भी पढ़ा सकता हूं बट मैं थोड़ा सा मैं रूरल टच आपको देना चाहता हूं दैट वाई एम यूजिंग माई नेटिव लैंग्वेज ठीक है मैं चाहता हूँ कि आप अपनापन फील करें मेरे साथ ठीक है जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस प्रिपरेशन के अंदर जब तक बच्चों देखो आप घर बैठे हो ना आप जब तक मेरे से कनेक्ट नहीं होगे ना यहाँ से कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक नहीं पढ़ पाओगे बाकी बच्चे जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं बाई वाले इंग्लिश वाले बट हिंदी मीडियम वाले बच्चे आपको दिल से यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा और एक बात बता रहा हूं आज का एक कनेक्शन जो तुम बनाओगे ना जिंदगी भर ना तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा ये मेरी गारंटी है पूछ लो किसी भी बच्चे से मेहनत करूंगा आपके लिए आपकी सफलता के अंदर में और हाँ हिस्सा लूंगा जब सेलेक्ट हो जाओगे ना तो हिस्सा लूंगा भाई ये मत कहना कि सर नहीं समझ रहे हो बात को हिस्सा जरूर लेने आऊंगा और तुम मेहनत करो यार ठीक है आग लगा दूंगा मैं ठीक है सही बता रहा हूं जितना तुम चाहोगे उतना मेहनत करूंगा उतनी पढ़ाई करूंगा मैं करूंगा सुनील सर करेंगे दोनों अब मेहनत करेंगे लेकिन आपसे हमें सिलेक्शन चाहिए और सबसे पहला जो काम है आपका और मेरा कनेक्शन अगर कनेक्शन नहीं बनाना तो आप क्योंकि पता नहीं कहां बैठ के पढ़ रहे हो आप मेरी बात नहीं समझ पाओगे इसीलिए देखो ये जुड़ना बहुत जरूरी है ठीक है ये कनेक्शन बनना बहुत जरूरी है एंड दैट्स वाई मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ ठीक है इसलिए मैं थोड़ी नेटिव लैंग्वेज अपनी यूज कर रहा हूँ ताकि आपको भी लगे मास्टर अपना जैसा है भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो पीटीआई ने मैं दो न्यूज़ पढ़ी मैंने उल्टी सीधी तीसरे मैं इधर बुलाया मेरा दो मारे कह रहे बात होता क्राइम पेट्रोल देख के आया रात में तो ठीक है मगर जी नाम मैं दो मारे यार इतनी मतलब समझ रहे हो भरी लोगों के सामने पाँच सौ छः सौ लोग थे वहाँ पे ठीक है मेरे क्लास के लोग लड़कियाँ वड़कियाँ ठीक है ज्यादा बेजती तो लड़कियों के सामने फिटनेस होती है ना और मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट था भाई ठीक है मैं क्या था इंटेलिजेंट स्टूडेंट था ठीक है इंटेलिजेंट स्टूडेंट के जब लग गया मेरे को बड़ा दुख हुआ ठीक है मैं वहां ठीक है बेटा आज के बाद मैं सुनाऊंगा ही नहीं मैं मतलब मन मन में सोचा मैंने लेकिन मुझे अभी पता चल रहा है कि मैं क्या करता था यार मैं न्यूज़ के नाम पे सही में मतलब गंदगी भर रहा दिमाग में ऐसी चीज़ सुना रहा था मैं जाके है ना तो हमारा न्यूज़पेपर से रिश्ता इतना ही होता है गाँव वाले बच्चों का कि फोटो देख ली खेल समाचार देख लिए आजकल टी हो गया या सोशल मीडिया हो गई तो कौन क्या बोल रहा है पॉलिटिक्स में किसने किसकी धर्म पे कमेंट कर दिया ये कर दिया ये ये चीजें काम की नहीं है यूपीएससी इन चीजों को टोटली नकार देता है ठीक है जब मैं पहली बार गया मेरे को बोला गया द हिंदू पढ़ना है मैंने माथे में हाथ मारा द हिंदी नहीं पढ़े आज तक द हिंदू कहां से पढ़ूंगा पर मैंने हिम्मत की ले लिया उस दिन उस टाइम पे चार रुपए का आता था, था द हिंदू आज देख लो कितने का आता है शायद पंद्रह सोलह रुपए का कुछ ऐसी कॉस्ट होगी चार रुपए का आता था, था उस दिन एक दिन का द हिंदू मैंने ले लिया भाई मैं कह लो जी चार रुपये मैं ले गए आज मैं खुश था पूछो क्यों मगा आज ना मेट्रो में वो बहुत खोल खोल के मेट्रो में यार न्यूज़पेपर ऐसे खोल के बैठ जाया करते पूरी जगह घेर लेते थे मैं सोचता था यार मतलब यही इन्हीं की मेट्रो है गया और थोड़ा दूर भी रहना पड़ता था अंग्रेजी का अखबार पढ़ रहे भाई पता नहीं मतलब बहुत तगड़े लेवल के आदमी होंगे मैं भी आज मगा नहीं छोड़ूंगा मैं भी मेट्रो में यूँ खोल के बैठ गया यूँ अच्छा गलती मेरे से पता क्या होगी मेरे से एडिटोरियल पेज खुल गया पहला ही

पढ़ता रहा देखता रहा देखता रहा देखता रहा अब उसमें से कुछ आना जाना था नहीं समझ में क्या आएगा काला अक्सर भैंस बराबर कुछ समझ नहीं आया नींद आने लग गई मैं यार ये या तो गलत और एंटरटेनमेंट चाहिए फिर थोड़ी देर में भगवान ने मेरे को बचा लिया वो बराबर में जो मेरी लड़की बैठी थी ना मेरे बराबर में वो मैसेज करने लगी पता नहीं किसको कर रही किसी लड़के को कर रही थी कि आई वॉन्ट टू वॉच दिस मूवी ऐसे कर रही थी मैं ये मूवी देखनी है बहुत अच्छी है तुम आ जाओ और भी कई सारे शब्दों का प्रयोग किया था मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं भाई साहब अखबार पढ़ अखबार रहा था लेकिन अखबार पढ़ने के बहाने से ना मैं यू नीचे नीचे देख के उसके सारे मैसेज चाट गया एक एक बात पढ़ मारी मैंने सारी की सारी क्या वो प्लानिंग कर रहे थे ठीक है क्या करूँ टाइम पास नहीं हो रहा था फिर उस दिन मैंने कंटी लगा ली कान के मैं एडिटोरियल वाला पेज नहीं खोल भाई स्टार्टिंग की न्यूज पढ़ूंगा दोस्तों वो पहला न्यूज़पेपर मैंने मेरे को आज तक याद है मैंने एक हफ्ते में पढ़ा एक हफ्ते में भी क्या पढ़ा मैंने उसमें से चटपटी खबर ढूंढी और वो पढ़ने की कोशिश की लेकिन हाँ मेरे पास अच्छी बात क्या थी मैं आपको बता देता हूं मैं हर एक वर्ड का जब से मैंने वो डिक्शनरी खरीदी ना हर वर्ड को अंडरलाइन करके मेरे पास नोटबुक होती थी मैं लिखता था मेरे पास देखो मैं दिखाऊंगा मेरे अगर पास लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट एडिशन है अगर वो हुआ तो मैं दिखाऊंगा आपको मेरे पास जो लक्ष्मीकांत सर की जो पहली किताब है ना उसमें लक्ष्मीकांत सर ने कम लिखा हुआ है मैंने ज्यादा लिखा हुआ है क्यों क्योंकि मैंने हर वर्ष शब्द को अंडरलाइन करके उसका मतलब मीनिंग ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि नहीं आता था भाई क्या करूं पढ़ना पड़ेगा लेकिन हिम्मत नहीं आ रही भाई हिम्मत नहीं आ रही मैं पहले बोल रहा हूं अब ऐसा नहीं है कि एक दिन में इंग्लिश ना आई तो मैं छोड़ के बैठ गया ना हिम्मत नहीं आ रही मैंने मैंने वो पेपर बदला सात दिन में सात दिन में क्यों बदला क्योंकि रोज रोज वो पेपर ले जाता था ना मेट्रो में खोल के बैठता था मैं किसी ने डेट देख ली तो भेजती हो जाएगी मेरे को भेजती का बड़ा डर रहता था हमेशा यार भेजती हो जाएगी तो इसलिए मैं कहा यार चलो बदल लेते हैं आप समझो सात दिन लगे थे मुझे उस न्यूज़पेपर को पढ़ने में लेकिन बात क्या है, दोस्तों हिम्मत नहीं आ रही आज ना मैं न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ आपको सुबह मॉर्निंग के अंदर डेढ़ घंटे दो घंटे का मेरा शो होता है ठीक है करंट अफेयर का यूपीएससी वन जीरो और मैं एक नहीं मैं तीन तीन न्यूज कवर करता हूँ दो गवर्नमेंट वेबसाइट पी और ऑल इंडिया जो रेडियो है वो कवर करता हूँ ये किसकी वजह से दोस्तों ये हिम्मत न हारने की वजह से हम गाँव से हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब कोई गलत काम कर रखे हैं हमने पूरा पूरा अधिकार है हमें भी शहर के बराबर जाके हम ग्रामीण स्कूल से पढ़े हैं हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं हम गांव के स्कूल से हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते कर सकते हैं हाँ कुछ चैलेंजेस हैं बाधाएं हैं सही सही गाइडेंस नहीं है सही किताबें नहीं है मार्केट में ठीक है लेकिन उन्हीं को देखो अगर वो चैलेंजेस है ना तो उस चैलेंजेस को ना कम से कम अस्सी प्रतिशत कम करने का काम मैं सुनील सर के साथ मिलकर यहां करूंगा बहुत अमेजिंग आदमी है बहुत अमेजिंग टीचर है यार दोस्तों ठीक है मैं उनसे पर्सनली बहुत इंस्पायर हूं क्योंकि जो उनमें जज्बा है ठीक है इस एज के अंदर में जो डेडिकेशन के साथ में वो आपके लिए काम करते हैं दैट इज देखो हम तो जवान आदमी है अभी कर सकते हैं ना समझ रहे हो लेकिन वो जिस हिसाब से करते हैं डेढ़ दो घंटे की द हिंदू की क्लास करते हैं मजेदार जबरदस्त और सही बताऊं ना द हिंदू की हिंदी में ऐसी क्लास कोई नहीं कर सकता ये बात मैं लिख के दे रहा हूं ठीक है तो उनके साथ मिलकर हमारा इनिशिएटिव है दोस्तों और पूरा प्रयास रहेगा दोस्तों कि आपके साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ है और मैं अपनी कहानी इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि आपको हंस लो आप हंस लो देखो इस कहानी से सीख लेनी है कि जिस लड़के को कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं पता था आज वो तुम्हें यूपीएससी पढ़ा रहा है ठीक है मैं खुद यूपीएससी करके बैठा हूं ठीक है अगर मैं कर सकता हूं ना दोस्तों तो कोई भी कर सकता है कोई भी कर सकता है जब मैं तैयारी कर रहा था ना तो बहुत प्रॉब्लम आती थी मतलब किसी से पूछो तो वो कल्टी मार लेते थे मैंने ऐसे ऐसे लोगों को रोज जूस पिलाया कि भाई ये मेरे को कुछ पढ़ा देगा समझा देगा लेकिन कभी किसी ने नहीं किया मैं सच्ची बता रहा हूँ इंटेलिजेंट को पकड़ के मैं जूस पिलाता मैं चल भाई यार मेरे को पढ़ा दियो वो कभी पढ़ाता नहीं था जूस और पी गया मेरे को महीने का कम से कम बता रहा हूँ दो हज़ार का खर्चा हो जाता तो उसको जूस पिलाने पिलाने में और मैं जब जूस की दुकान ले जाता तो कहता नार कर लूंगा मैं कहाँ बेटा सारी भुखमरी मेरे से दूर कर ले पूरा पोषण जितना कुपोषण तेरे को आज तक रहा है ना मेरे पैसे से पूरा कर ले तू लेकिन पिलाते थे क्या करें भाई लेकिन जब पढ़ने की बात होती थी तो कभी उसका सर में दर्द हो जाता था कभी उसको नोट्स बनाने थे कभी कुछ हो जाता कभी आंटी आ गई खाना बनवाना भाई कभी बताया नहीं उसने मैंने तब सोचा था कि मैं किसी भी ऐसे छात्र को जो गाँव से है ये महसूस नहीं हो दूंगा कि यार मुझे तैयारी में प्रॉब्लम आ रही है मुझे इससे पूछना है मैं जूस नहीं पिलाने दूंगा तुम्हें किसी को भी YouTube से पढ़ो बढ़िया से अगर अच्छे से करना चाहते हो तो मेरे साथ प्लस पे जुड़ना ठीक है एक नंबर का काम करेंगे कोई टेंशन नहीं है और हाँ हिम्मत नहीं हारना है दोस्तों जब मैं तीन मैंने स्टार्टिंग में तैयारी शुरू करी थी ना स्टार्टिंग के दो से तीन महीने में रोज पढ़ता था मेरा शेड्यूल बताता हूँ गांव के अंदर था ग्रेजुएशन खत्म हो गई थी पापा बीमार थे जॉब लगी थी टीसीएस के अंदर नहीं करनी थी छोड़ के बैठ गया था मैं क्योंकि तो पापा बीमार थे सुबह सुबह उठता था मेरे घर में दो भैंस थी पहले भैंसों को पानी पिलाया उनको नहलाया सुबह सुबह छह बजे ठीक है और उसके बाद मैं उनको बाहर निकाल के उनका छोटा मोटा काम करके मैं पढ़ने बैठ जाता था ठीक है हाँ काम करने मेरे को मजा आता था इसलिए मैं भैंस नैला वैला के उनको सुबह चारा वरा खिला के तब मैं काम करने मैं अपनी पढ़ाई करने बैठता था मैं सात साढ़े सात बजे बैठता था उसके बाद मैं उठता था दोबारा से तीन बजे तीन बजे उनको दोबारा चारा डालना होता था वो करके मेरा भी रिफ्रेशमेंट हो जाता था मैं थोड़ा बहुत खा पी लेता था फिर मैं साढ़े चार सवा चार के आसपास फिर बैठ जाता था उसके बाद मैं फिर उठता था साढ़े छह बजे मेरा एक दोस्त आ जाता था जिम जाने के लिए तो मैं उठता था दोबारा से फिर मैं भैंसों को पानी पिलाता था अंदर उनको जहां उनको बांधना है बांधता था और उसके बाद मैं जिम चला जाता था जिम में मैं क्या करता था मेरे फ्रस्ट्रेशन होती थी पूरे दिन पढ़ा कुछ समझ नहीं आया वहां गुस्सा उतारता था आके सो जाया करता अगले दिन फिर मेरे पूरे दिन की पढ़ाई पर इनपुट पता कितनी है बहुत है आउटपुट क्या जीरो सात सात घंटे लगाए कुछ समझ नहीं आया ना मेरे पास यूट्यूब था ना मेरे पास कोई प्लस था जो मैं घर में पढ़ सकूं, ठीक है बहुत बुरी हालत थी दोस्तों नहीं कर सकता था दिल्ली जा नहीं सकता था घर में मेरे फादर जो थे बीमार थे भाई घर से खुद पढ़ा मैं साथ मैं आपको बता रहा हूं तीन से चार महीने मेरी आउटपुट जो थी ना आउटपुट इसको क्या कहते हैं जीरो लेकिन हिम्मत नहीं हारी मैंने सही बता रहा हूं भगवान कसम मैं एक ही चीज सीखी मैंने कि हिम्मत नहीं हारूंगा यार तीन महीने के बाद कब मेरी हर जीत में बदल गई ना मुझे खुद नहीं पता चला और आज देख लो आपके सामने खड़ा हूं आप में से बहुत सारे बच्चे तो मुझे नहीं जानते बट जो जानते हैं उनको पता है दोस्तों कितनी मेहनत से मैं काम करता हूं और किस हिसाब से जब मैंने शुरू किया था ना बहुत सारे बच्चों को जोग्राफी समझ नहीं आती और आज दीवान्या है वो दीवान्य जिस दिन तुम्हें जोग्रफी अपने वाली कॉन्सेप्ट से अभी स्टार्ट करेंगे गुरुकुल हिंदी लेके आऊंगा यहाँ पे जैसा भी एनसीईआरटी है गुरुकुल अभी गुरुकुल हिंदी लेके आएंगे जब हमारा मई में आप ये मान लो कि मई के अंदर में आपकी इस बार के पेपर है तो मैं और सुनील सर मैंने हमने सोच रखा है कि हम जनवरी फरवरी के आसपास गुरुकुल हिंदी लेके आएंगे इस बार गुरकुल हिंदी में ऐसा पढ़ाऊंगा तुम्हें अगर ज्योग्राफी तुम्हारा बेस्ट सब्जेक्ट ना बन जाए तो मेरा नाम बदल देना ठीक है ये गारंटी दे रहा हूं आज लिख लेना

और और भी कई प्रकार के आदमी हैं जो यहाँ पे हैं ठीक है थीके? वो कहा से आए हैं मुझे वो भी पता है और वो क्या करने आए हैं मुझे ये भी पता है लेकिन याद रखना मेरा नाम सुमित राठी है है ठीक मैं शरीफ आदमी नहीं हूं मेरा नाम सुमित राठी है तो जो भी तुम जहां से भी आए हो जिसके द्वारा भी आए हो मुझे सब पता है अगर हरकत हुई तो भगवान कसम बहुत बुरा अंजाम होगा चलिए मंडल में पृथ्वी मजाक कर रहा था डायलॉग मारा था फिल्मी था आई 2023 गुरुकुल के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों सौरमंडल में पृथ्वी पृथ्वी क्या है बिल्कुल लेक्चर नंबर वन है चैप्टर नंबर भी वन है ऐसी किताब दिखती है कुछ पृथ्वी हमारा आवास और ये प्रेजेंट कर रहा हूं मैं सुमित राठी अभी के लिए टाइम हमारा यही रहेगा डेली साढ़े आठ बजे ठीक है साढ़े आठ बजे रहेगा यही मिला है मुझे अच्छा थोड़ी बात बता दूं दोस्तों ये मेरे चार और चैनल हैं जो बच्चे मेरे साथ और भी जुड़ना चाहते हैं और भी क्लास करना चाहते हैं तो मेरा जोग्राफी का एक डेडिकेट चैनल है जोग्रफी वन जीरो वन जिस एनिमेशन से बहुत अच्छी क्लास में करता हूं यूपीएससी की जिसको पूरी तैयारी करनी है यूपीएससी वन जीरो वन है ये चैनल सिर्फ यूपीएससी के लिए सुबह आठ बजे करंट अफेयर का शो आता है करंट अफेयर वन जीरो वन ये करंट अफेयर के लिए और एनसीआरटी सिर्फ एनसीआरटी के लिए बट यहां पर हमने जो पढ़ा वो बाइलिंग है आपके लिए हिंदी में हम यहां लिखे हैं तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो सबको

ये कॉम्बो का है आप दो साल का लेंगे तो एक साल का आपको क्या मिलेगा फ्री क्योंकि ये चल रहा है। नोट्स टू में, प्रित्वी, प्रित्वी आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च की ले आओ ठीक है अरे ले आओ सही कह रहा हूं आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च की एक सादा कागज एक पेंसिल एक सुई ठीक है ये आप ले आइए फिर कुछ सिखाऊंगा नहीं इनका तरीका अलग होता है अलग होता है और इसके लिए आपको चुटिया भी ऐसी बनानी पड़ेगी अगर आप मेरे से सीखना चाह रहे हैं अभी ठीक है देखो यार वन जीरो वन का मतलब होता है एक सौ एक का मतलब होता है वन एंड ओनली वन एकमात्र चैनल है अब ये, ये मतलब। छोड़ो अच्छा दोस्तों ज्योग्राफी में एक, एक इससे पहले पढ़ाने से पहले एक ज्योग्राफी का एक ओवरव्यू दे दूं अच्छा एक बात और है जैसे सुनील सर जो है उनका एक उन्होंने मेरे को डायरेक्शन भी दिया था कि यार बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना है ठीक है भाई यहाँ पे हमारे छात्र हैं प्री और मेंस का तो देखो यार मैं उनके जितना महान आदमी नहीं हूँ ठीक है जो वो जिस प्रकार से जो कलामात करते हैं ठीक है वो वो ही कर सकते हैं बट हाँ जैसे टॉपिक होते जाएंगे ना इनकी हम स्पेशल क्लास कर लेंगे अन अकेडमी के ऐप के ऊपर क्विज सेशन हम डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों देखो जोग्रफी जो है ना जोग्राफी ज्योग्राफी एज सच अगर मैं आपको बताऊं ना भूगोल कहते हैं इसको इसको तीन भागों में हम बांट लेते हैं ठीक है पहला जो भाग होता है उसको हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी ठीक है फिजिकल ज्योग्राफी को हिंदी में कहते हैं भौतिक भूगोल चिंता मत करो सब हिंदी में पढ़ाएंगे भौतिक भूगोल दूसरा जो आता है दोस्तों इसको हम कहते हैं इंडियन ज्योग्राफी एक सजेशन है मेरा जो छात्र जो है ना वो भारत का भूगोल

तीन हथियार रखो आपको मैं पूरी फिजिकल ज्योग्राफी का शिकार करवा दूंगा तीन हथियार लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड और पृथ्वी की आंतरिक संरचना अक्षांश देशांतर पृथ्वी की आंतरिक संरचना पूरी ज्योग्राफी फपेड़ देंगे यहीं पर पूरी ज्योग्राफी फपेड़ देंगे गारंटी दे रहा हूं ठीक है इंडियन ज्योग्राफी फिजिकल आ गई तो इसमें कुछ बचा नहीं है कुछ नहीं बचता सब आराम से हो जाता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी तो मैं कहानियों सुना देता हूं ठीक है कहानी दो शराबी आदमियों की कहानी सुन ली तुमने साउथ अमेरिका हो गया हमारे देश के अंदर एक नई हीरोइन है आई है ठीक है यूएस से बेसिकली कैनेडा बोन है सनी लियोन तो उसकी कहानी सुना के मैं तुम्हें अफ्रीका करा देता हूं पूरा तो मेरे पास कहानियां ठीक है कहानियों से आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाती है सात कहानी मैंने, मैंने पूरा काम खत्म हो जाना है ठीक है बट ये अप्रोच हम अभी फॉलो नहीं करेंगे बिकॉज वट वी आर डूइंग वी आर डूंग एनसीआर तो मैं एनसीआरटी में चैप्टर वाइज चैप्टर चलूंगा हर एक चैप्टर को मैं कवर करूंगा बिकॉज मैं अभी एनसीआरटी पढ़ा रहा हूं तो मैं वही अप्रोच रखूंगा एक बात इनको पढ़ते समय हर बच्चा ध्यान रखेगा सिक्स क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर वन है तो आप मेरे से कुछ बहुत ज्यादा उम्मीद मत करना कि मैं बहुत ज्यादा चीजों को लेके जाऊंगा ना मैं वो पढ़ाऊंगा जो छठी क्लास की एनसीईआरटी किताब में लिखा है इसमें मान लो आठ चैप्टर है तो आठ दिन में खत्म हो जाएगी ठीक है आठ दिन में खत्म होगी ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास पर आज तो धीरे धीरे अपना स्तर भी बढ़ेगा है ना छठी में इतना पढ़ेंगे सातवीं में थोड़ा और अच्छा एट्थ में अच्छा नाइन्थ में अच्छा टेंथ में तो धीरे धीरे आपका मतलब क्या है एक बेसिक बिल्डिंग है जिसको जीरो से स्टार्ट करना है वो मेरे साथ जुड़ो और सब चीज मैं आपको यहां पर क्या करूंगा दोस्तों फिनिश कराऊंगा ध्यान ये रखना है कि कोई बच्चा ओवर स्मार्ट ना बने ओवर स्मार्ट का मतलब है कईयों को चार शब्द पता हो जाते हैं फिर वो उन्हीं को गाते हैं और बाकियों को परेशान हैं अरे सर ये तो बताओ वो हवाबाजी होती है ठीक है मुझे ज्यादा पता है क्लास में हवाबाजी करूंगा मैं वो मत करना यार प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे क्योंकि उससे बच्चा कंफ्यूज होगा मुझे सब आता है बट मैं ये सोच के समझा पढ़ाऊंगा आपको कि आप छठी क्लास के बच्चे हैं सिक्स क्लास के बच्चे हैं और आपने पहली बार कभी आज से पहले पढ़ी ही नहीं सो ये मैं स्टार्ट करूंगा तो यहां जो स्टार्ट हो रहा है ना वो स्टार्ट हो रहा है सौरमंडल में पृथ्वी तो ये कहानी ऐसे ही शुरू कर रहा है कि जब आप सूर्यअस्त होता है उसके बाद आप आसमान में देखते हो तो आपको तारे ही तारे दिखते हैं कुछ चमकते हैं बहुत ज्यादा कुछ चमकते नहीं है ठीक है तो जितना भी आपको दिखता है ना उसको सबको हम सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड कहते हैं उसमें बहुत सारे ग्रह होते हैं बहुत सारे उपग्रह होते हैं तारे होते हैं आकाश गंगा ये सब इन्होंने पढ़ाया हुआ है तो मैं अपना मेरा जो अपना तरीका उसके हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा आफ्टर स्टडिंग दिस मेरे से पढ़ने के बाद यू आर टोटली फ्री आप कहीं से जाइए कितना पढ़िए आपको सारी चीज समझ में आएगी ठीक है सो लेट्स बिगिन द क्लास क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं सौरमंडल में पृथ्वी तो सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान कहां पे है पृथ्वी आती कहां है तो सबसे पहले आप समझिए एक ब्रह्मांड होता है हमारे पास ब्रह्मांड इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्स ब्रह्मांड मतलब जो भी आप देखते हो ना मुंह उठाओ ऐसे रात में या दिन में जब भी ऐसे देखो जो दिख रहा है सब ब्रह्मांड है सब चीजें जो है ब्रह्मांड में आती है ब्रह्मांड जो है सबसे बड़ी इकाई है यूनिवर्स इससे बड़ा कुछ नहीं होता सब कुछ इसमें आता है यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट मतलब आप यूनिट कह सकते हो सबसे बड़ी इकाई है अच्छा ब्रह्मांड के अंदर में ना दोस्तों बहुत सारी क्या होती है गैलेक्सी जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं ठीक है एक ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सी होती हैं ठीक है लाखों करोड़ों की संख्या में क्या होती हैं आकाश गंगाएं होती हैं किसके अंदर में दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में हमारी भी एक आकाश गंगा है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी ठीक है हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है मिल्की वे अब आकाश गंगा के अंदर में क्या होता है दोस्तों आकाश गंगा के अंदर में एक आकाश गंगा के अंदर में कई सारे सौरमंडल होते हैं जैसे हमारी आकाश गंगा में एक सौरमंडल है ठीक है सौरमंडल का मतलब क्या है एक तारा होता है जैसे हमारे तारे को सूर्य बोलते हैं और उसके आसपास कुछ खगोलीय पिंड घूम के ना एक पूरा सिस्टम बना लेते हैं ठीक है तो वो हो गया सौरमंडल और इसमें सबसे आखिरी में सौरमंडल में बहुत सारे ग्रहों में हमारी पृथ्वी आती है तो हमारी पृथ्वी का स्थान कहां है दोस्तों हमारी अर्थ जो है बेसिकली इट्स अ प्लानट ठीक है ग्रह है और ये किसमें है हमारे सौरमंडल में हमारे सोलर सिस्टम में है देखो इंग्लिश के शब्द भी मैं साथ साथ बोल रहा हूं ताकि भविष्य के अंदर में आप कभी पढ़ो तो आप अपने आप को पीछे महसूस ना करो आप मेरी बात समझे ठीक है so, सो पृथ्वी सौरमंडल का भाग है सौरमंडल आकाशगंगा और आकाशगंगा ब्रह्मांड आप ऐसे कह सकते हो हमारी पृथ्वी ग्रह उपग्रह सूर्य ये सब मिलके क्या बनाते हैं सौरमंडल क्या बनाते हैं सौरमंडल सौरमंडल जब ऐसे बहुत सारे सौरमंडल मिलते हैं तो इनसे आकाशगंगाएं बनती है और ऐसी आकाशगंगाओं से मिलकर क्या बनता है ब्रह्मांड यूनिवर्स इज द बिगेस्ट इकाई सबसे बड़ी इकाई है सो so, ब्रह्मांड क्या है दोस्तों देखो सिंपल मैंने लिखा हुआ है लाखों आकाशगंगाएं जब आपकी मिलती है ना तो उन लाखों आकाशगंगाओं के मिलने से हमारा ब्रह्मांड बनता है तो ब्रह्मांड इज द दूमुलेशन इज द फॉर्मेशन ठीक है जब बहुत सारी आपके पास आप ये कह सकते हो कि जब बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलती हैं तो ब्रह्मांड बनता है तो द, दिस द बिगेस्ट यूनिट सबसे बड़ी इकाई है दूसरी बात करते हैं आकाशगंगा अच्छा एक बात और बताओ यार जब मैंने तुम्हें बताया कि मैं हिंदी मीडियम से हूं ठीक है और भगवान कसम मैं हिंदी मीडियम हरियाणा बोर्ड से हूं ठीक है मेरे स्कूल का नाम है लक्ष्मी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सच बता रहा हूं मैं हरियाणा मीडियम से हरियाणा बोर्ड से मैं पढ़ाऊँ तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा सा जो हिंदी मीडियम से बच्चे कुछ मेरा बताने का पर्पज़ है कि कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार अगर ये है तीस साल का ही हूँ मैं ज़्यादा नहीं हूँ अगर ये तीस साल का आदमी ये हिंदी मीडियम से पढ़ के ये आज इतने कोत्यक को उतार रहा है यहाँ पे इंग्लिश में भी बोल रहा है समझा भी रहा है पढ़ा भी रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता तो आप कर सकते हो आप कर सकते हो और मुझे कुछ पढ़ाना सिखाना नहीं है मुझे तुम में कॉन्फिडेंस लेके आना है कि जब मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो ठीक है और अपना सही बता रहा हूं एकदम दिल खोल के जो बच्चा अपने आप को सबसे कमजोर महसूस कर कर रहा रहा है बात उससे कर रहा हूं कि तेर से ताकतवर या कोई नहीं है सच्ची बता रहा हूं तेर से ताकतवर कोई नहीं है बट सबसे बड़ी बात क्या है तूने अपने दिमाग पर खुद ही लिमिट लगा रखी कि मेरे से नहीं होगा हटा दे इस लिमिट को इस लिमिट को हटा दे सही बता रहा हूं मैं हाथी से हा, महावत हाथी से बड़ा नहीं होता हाथी बहुत बड़ा है महावत तो बहुत छोटी चीज है लेकिन वो हाथी जो है ना उस महावत पे डिपेंड होता है अगर उसको कहीं चढ़ाना भी है ना तो महावत अगर हल्का सा ऐसे हाथी के हाथ सपोर्ट लगाता है हाथी सोचता है यही चढ़ा रहा है मुझे वास्तव में हाथी खुद चढ़ता है ठीक है ये दिमाग के ऊपर ना ये जो फोबिया हटा दो तुम्हार, तुमसे अच्छा कोई नहीं है तुम जो कर सकते हो कोई नहीं कर सकता so, ब्रह्मांड जो है इन आकाशगंगाओं के अंदर में अरबों सितारे होते हैं ठीक है तारे होते हैं बहुत सारे धूल होती है गैसों के बादल होते हैं ठीक है उनका एक विशाल समूह होता है जैसे उदाहरण में हमारी आकाशगंगा है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी उदाहरण मैंने दिया तो आपने ये भी पढ़ लिया ब्रह्मांड क्या होता है पढ़ लिया बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर बनाती है आकाशगंगा क्या होती है कि एक आकाशगंगा अरबों सितारे और धूल आदि से मिलकर बनती है एक विशाल समूह होता है हमारी भी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी ठीक है अभी ये आपको बताया जेम्स वेब टेलीस्कोप करंट अफेयर में पढ़ाया था जेम्स वेब टेलीस्कोप जो नासा का टेलीस्कोप है जेम्स वेब के नाम पर नाम रखा उन्नीस सौ में के दशक के अंदर में नासा के जो हेड होते थे जेम्स वेब तो उनके नाम पे था जेम्स वेब टेलीस्कोप उन्होंने अभी तक की यूनिवर्स की या गैलेक्सी की सबसे डीपेस्ट सबसे साफ पिक्चर रिलीज की है वो आपने देखा थोड़े दिन पहले करंट अफेयर में आया होता फिर उसके बाद में एक और उसके ऊपर में विवाद भी चल रहा था क्योंकि उन्होंने कुछ जो आपके एल कम्युनिटी है उनके एक व्यक्ति को हटा दिया था तो लोग कह रहे थे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम हटाओ तो प्यारे बच्चों ये जो चीज है ना अब एक बात और बताता हूं इसमें जो थ्योरीज हैं जैसे बिग बैंग थ्योरी ये थ्योरी जनरल रिलेटिविटी थ्योरी वो मैं इसमें नहीं पढ़ाऊंगा ठीक है वो हम डिस्कस करेंगे सेपरेट तो इसमें क्यों नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि एनसीआरटी में दिया नहीं है कल को कोई बच्चा उठा के पढ़े उसको लगे यार ये मास्टर कहां से ही बातें कर रहा है तो जब मैं ज्योग्राफी गुरुकुल हिंदी लेके आऊंगा तो वो अलग अलग जो सिद्धांत हैं कि पृथ्वी कैसे बनी होगा कैसा इवोल्यूशन हुआ वो भी हम करेंगे बट राइट नाउ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द एनसीआर

ठीक है मैं नहीं कह रहा आप हिंदी में देखो आपके लिए मैं हिंदी में आया हूं बट आपको थोड़ा सा इंग्लिश सिखा के जाऊंगा खगोलीय पिंड का मतलब होता है सेलेस्टियल बॉडी तो जितनी भी आपके ब्रह्मांड के अंदर में आपको जो भी ग्रह उपग्रह चांद तारे सूरज जो भी आपको दिख रहा है ऑल आर सेलेस्टियल बॉडी वो सब क्या है खगोलीय पिंड है तो सौर मंडल में क्या होता है बेसिकली एक तो हमारा तारा मेन तारा है सूर्य उसके अलावा आठ ग्रह होते हैं और सबके उपग्रह ग्रह ग्रह की सबकी गर्लफ्रेंड होती है भाई हमारे पृथ्वी गर्लफ्रेंड है क्या चंद्रमा पृथ्वी की गर्लफ्रेंड है चंद्रमा ठीक है और दूसरे गर्लफ्रेंड सबको बहुत अच्छी लगती है इसलिए देखो चंद्रमा पे कितने गाने बना रखे हैं कितने सारे सिंगर है ना चंद्र अरे धरती माता हमारी अर्थ की समझ रहे हो आप बात को ऐसे मत करो यार ठीक है तो सबके अपने अपने मैं ऐसे बताता हूँ ठीक है डोंट टेक इट इज ऑफेंस ठीक है सो so, जो हमारा बेसिकली जो ग्रह है उसके सबके अपने अपने क्या होते हैं दोस्तों उपग्रह होते हैं कईयों के अलग अलग हैं जैसे अपना अर्थ का जो है अपने अर्थ का एक ही है बाकी कई सारे ग्रह ऐसे हैं कि एक से काम बनता ही नहीं उनका उनके बहुत ज़्यादा है नंबर बहुत ज़्यादा है उनके वो भी देखेंगे तो ये कह रहा है कि सूर्य आठ ग्रह उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंडों जिनमें शुद्र ग्रह उल्का पिंड भी आते हैं उनका एक सामूहिक रूप जो है उनको ये हम सौरमंडल का नाम देते हैं तो कि सौरमंडल क्या हो गया ये भी अपने को पता चल गया है आस रहे हो मेरी नहीं यार राम राम जैनी मेरी नहीं है यार ऐसे मत कर यार ठीक है मेरी थी मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है ठीक है अब मेरी उम्र शादी की हो रखी है तो शादी की बात करो तो मैं कहूँगा कि मेरी सगाई हो रखी थी ऐसे ऐसे बोलो हो रखी है ऐसे बोलो ज़्यादा हो रखा है ना यार उसी के हिसाब से बोलना पड़ेगा एक था टाइगर नहीं देखी एक था टाइगर में जब उससे पूछा गया था ना अच्छा अब ये सीरियस मत लेना यार ठीक है लोगों को ना पर्सनल जिंदगी में ज़्यादा इंटरेस्ट है एज कम्पेयर टू द पढ़ाई ठीक है मेरे पास अभी कमेंट आने लग जाएंगे तो ऐसा नहीं है आराम से बढ़िया से पढ़ाई करो मजाक कर रहा हूँ आपको हंसाने और आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए मुझे जो करना होता है मैं करता हूँ तो ये हो गया आपका क्या बंडल ठीक है बाकी अब बात करते हैं दोस्तों इसके अलावा तो खगोलीय पिंड क्या होते हैं अब सुनो मेरी बात खगोलीय पिंड खगोलीय पिंड क्या होते हैं दोस्तों सूर्य चंद्रमा तथा सभी वो वस्तुएं जो रात के समय आपको आसमान में दिखती है और थोड़ी बहुत चमकती रहती है सब तो नहीं चमकते ऑब्वियस सी बात है ग्रह जो है वो सूर्य के प्रकाश से चमकेगा खुद का उसका कोई प्रकाश होता नहीं है मेन जो प्रकाश होता है वो सिर्फ तारों में होता है उसके अलावा किसी में भी खुद का प्रकाश नहीं होता जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से ही अपने आप को चमक चमकाते हैं तो आप आज अब रात भी हो रखी कितना बढ़िया टाइम है आप ऊपर मुंह उठाओ मुंडे उठा के देखो जो दिख रहा है सब क्या है ग्रह

चाहता हूँ प्लीज मैं बन सकता हूँ क्या <laughs> हाँ भाई तेलिस संविधान में संशोधन कराएंगे हम वैसे 21 साल होता है बट आपके लिए कुछ विशेष प्रावधान मैं करा दूंगा जब तक तू बनेगा ना तब तक मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा देश का मैं भी बनना चाहता हूँ और मैं प्रधानमंत्री बनते पहला काम यही करूंगा कि तू 16 साल में आई ऑफिसर बन सके ठीक है कलाकार आदमी हो यार एक से एक तुम कहाँ से लाते हो पूरा सिस्टम हिला देते हो बाबा अभी अगर ऑफलाइन क्लास होती ना तो मैं एक एक नंबर की बात करता आपसे मतलब ठीक है आपको मज़ा आता मुझे मजा आता और हमसे ज़्यादा मज़ा उनको आता जो हमारी बात सुनते हैं ठीक है आप हो सकता है थोड़े नाराज हो जाते ठीक है लेकिन सबको मजा आता है लेकिन अभी यार ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन है कल को कोई वीडियो की क्लिप काट के दे देगा तो दे कैसा मास्टर है क्या बोल रहा है ठीक है पहले यार मैं पता बोलता खुल के पढ़ाता था ऐसे पहले मैं और मजे लेता था पढ़ाने में ठीक है पहले मेरी क्लास और अच्छी होती थी बोरिंग नहीं होती थी बट एक दो लोगों ने कांड कर दिया कुछ कुछ वीडियो काट के कहीं कहीं डाल दी दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट कर रहे हैं कोई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को कर रहा है फिर मैं क्या यार कुछ संभल के काम करना पड़ेगा सो सबसे पहले खगोलीय पिंड मैंने बताया सूर्य चंद्रमा जितनी भी आप वस्तुएं अभी मुंह उठा के ऊपर देखोगे सब की सब क्या है दोस्तों दे ऑल आर खगोलीय पिंड सबको हम खगोलीय पिंड कहते हैं अब खगोलीय पिंड के बाद आते हैं दोस्तों तारे दूसरी चीज क्या आती है हमारे पास दूसरी चीज जो आती है स्टार हिंदी में बोलते, बोलते हैं स्टार हिंदी में बोलते हैं इनको तारे देखो तारे क्या होते हैं दोस्तों देखो कुछ खगोलीय पिंड ना बड़े आकार वाले होते हैं ये गर्म होते हैं गर्म क्यों होते हैं दोस्तों गर्म हमने इसमें चाय डाल रखी है ऐसा कुछ नहीं है गर्म है क्योंकि इनके पास खुद के पास एनर्जी होती है हर स्टार के अंदर में न्यूक्लियर रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फीजन और न्यूक्लियर फीजन हाइड्रोजन लगातार हीलियम में कन्वर्ट हो रहा होता है और उसकी वजह से मास जो भार है वो थोड़ा गायब होता है और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन चच्चा इज इक्वल टू एम स्क्वायर कुछ एम जो अब जो भार गायब हुआ है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है चिंता मत करो ये चीज मैं पढ़ाऊंगा आपको जब आपको क्लाइमेटोलॉजी यानी कि मैं आपको मौसम विज्ञान पढ़ाऊंगा तब भी पूरा बताऊंगा आपको आइंस्टीन बाबा का कॉन्सेप्ट जो था चच्चा का क्या कॉन्सेप्ट था सब बताऊंगा कुछ खगोली पिंड बड़े आकार के होते हैं गर्म होते हैं क्योंकि इनके अंदर में न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही होती है इनके अंदर में बहुत सारी गैस होती है बहुत गैसों से बने होते हैं इनके पास खुद की ऊष्मा होती है क्योंकि मैंने बता दिया ये लाइट एमिट करते हैं और वो जो उष्मा है उसी की वजह से इनके आसपास आपको प्रकाश दिखाई देता है ठीक है ये बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित भी करते हैं उत्सर्जित मतलब रिलीज करना ठीक है दे एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी जैसे सन करता है ना सन क्या करता है इट एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी तो ऐसे ही तारे भी करते हैं ठीक है हमारा जो तारा है वो कौन सा है सूर्य तो ऐसे खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं तो याद रखनी है दोस्तों तारा भी क्या है दोस्तों खगोलीय पिंड इसीलिए मैंने खगोलीय पिंड को बाहर रखा है क्योंकि तो खगोलीय पिंड में ही तारा आता है बस तारे की और उसमें फर्क क्या है दोस्तों तारे के पास खुद की ऊर्जा होती है इसमें परमाणु अभिक्रियाएं होती हैं

देखो यार यूजुअली ना ये टॉपिक मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं देता मैं सच बता रहा हूँ ठीक है मैं इसमें लीस्ट इंटरेस्टेड होता हूँ इस टॉपिक को पढ़ाने में एक बार तो मैं सोचा था सातवीं क्लास की एनसीआर से शुरू करता हूँ बट फिर वही है आप कहोगे सर छठी की क्यों नहीं पढ़ी तो इसीलिए सिक्स क्लास एनसीआरटी से स्टार्ट कर रहा हूँ बट इसके बाद हर एक चैप्टर आपका बहुत इंटरेस्टिंग होगा बहुत मजेदार होगा दिस इज माई गारंटी टू यू ठीक है बट हाँ इसको पढ़ लेना अच्छा टॉपिक है इसमें मजे दिलाएंगे अभी देखो सूर्य जो है पढ़ाएंगे तो सही साथ साथ में इंटरटेनमेंट का डोज भी होगा सूर्य एक बड़ा तारा है दोस्तों ये सूर्मंडल के केंद्र में स्थित है हम सबको पता है जो सौरमंडल है हमारा सूर्य उसके अंदर में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे सौरमंडल में जिसमें पृथ्वी और बाकी ग्रह और उपग्रह हमारे यहाँ पे मेन सोर्स क्या है दोस्तों हीट का सन सूर्य तो हमारे पास तो ऊर्जा सूर्य ही देता है तो सूर्य भी एक किस्म का क्या है दोस्तों तारा है लेकिन बाकी तारों के मुकाबले हमारा जो सूर्य है ना वो बहुत कम गर्म है मैं आपको सच बता रहा हूं हमारे तारे से तो बहुत ज्यादा गर्म गर्म तारे हैं ठीक है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है हमारे तारे को तो येल्लो स्टार बोला जाता है येल्लो क्यों क्योंकि वो इतना ब्राइट नहीं है व्हाइट तो मतलब सोचो आग लगा देते होंगे ठीक है ये बहुत बड़े आकार का है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है जो अपना तारा है ठीक है बड़े आकार का है पृथ्वी के मुकाबले बहुत बड़ा है लेकिन बाकी तारों के मुकाबले में वो बहुत छोटा है बहुत छोटा है सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश व उषमा का एकमात्र स्रोत है अगर सन्ना देखो आपको जानकारी हैरत होगी आप जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो वो सूर्य का प्रकाश एक पिक्चर आई थी जादू वो कोई मिल गया उसमें वो एक आदमी आया था एलियन वो धूप से चार्ज हो रहा था बहुत तगड़ा सिस्टम है भगवान को भी हमें ऐसा ही सिस्टम लगा के भेजना धूप में जाए खड़े हो चार्ज हो जाए ये खाना पड़ता है ठीक है और जो जो भी आप चीज खाते हो ना प्यारे बच्चों उसमें कहीं ना कहीं सूर्य सोलर एनर्जी होती है आपको कंज्यूम करनी है सूर्य की एनर्जी अब सूर्य की एनर्जी से ही चलते हो आप ये देख लो जैसे आप कोई वेजिटेरियन चीज खाता है जैसे गेहूं की रोटी और दाल खाई तो गेहूं जो है वो गेहूं के पौधे पे उगता है और गेहूं का पौधा जो है ऊर्जा किससे लेता है सूर्य से वो सूर्य से जो ऊर्जा लेता है धरती से जो मिनरल लेता है उसी से वो गेहूं बनाता है और वो एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है सूर्य की एनर्जी स्टोर हुई है किसके अंदर गेहूं के अंदर और जब हम उसकी रोटी खाते हैं तो वो सूर्य की एनर्जी हमें मिलती है डायरेक्ट हम सूरज से चार्ज नहीं हो सकते अगर हो जाता तो बहुत बढ़िया काम है मैलॉन मस्क से कहूँगा कुछ ऐसा सिस्टम बना कि कुछ खाना ना पड़े पेट निकल जाता है यार डाइटिंग करनी पड़ती है कई लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एलोन मस्क ही कर रहा है आजकल ऐसे उल्टे सीधे काम मेरी बात होगी कभी मीटिंग होगी आप लोग मेरी बात पहुंचाओगे कि सुमित सर हैं भाई आपसे बात करना चाहते हैं तो हो सकता है उसका किस दिन मेरे पास कॉल आए तो मैं उसको कहूंगा यार कुछ ऐसी चीज बना भाई सीधा सूरत से मामला सेट हो जाए अपना खाना पीना पड़ता है यार वो है नहीं कंज्यूम आपको वही एनर्जी करनी है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप सूर्य की ऊर्जा को ही कंज्यूम कर रहे हो आप आप मीट खाते हो ठीक है आपने अंडा खाया अंडे में भी वही है और मुर्गे ने क्या खाया था दाना खाया था या मुर्गे ने प्रत्यक, प्रत्यक, आपको खानी की ऊर्जा तो तो का स्रोत है यही प्रकाश का स्रोत है सारी जो एक्टिविटी हो रही है जो आप पढ़ रहे हो मैं पढ़ा रहा हूं ये जस्ट बिकॉज ऑफ सोलर एनर्जी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैंने कंज्यूम की हुई है बात समझ में आई हो कमेंट बॉक्स में तो ओके की रिपोर्ट कर दोगे और साथ साथ में इसको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो वो लिख देंगे ऊ ला ला ऊ ला ला फटाफट से हां पीडीएफ की बात बता पीडीएफ में किसी को नहीं दूंगा ये मेरा उसूल है अगर कोई पी के चक्कर में है तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि तो पी के चक्कर वाले लोग एक बार आएंगे फिर वो कंटी मार लेते हैं वो पढ़ते हैं नहीं है मेरे साथ पढ़ना है तो नोट्स बनाओ भाई मैं पढ़ा रहा हूं मैं मेहनत कर रहा हूं तुम इतनी नहीं कर सकते तुम खुद के नोट्स नहीं बना सकते नहीं बना सकते तो भाई नहीं हो पाएगा अपना आपका और मेरा नहीं चल पाएगा मैं पी नहीं देता हूँ कभी भी मैं दूंगा भी नहीं मैं पहले बोल रहा हूँ पी नहीं दूंगा भाई आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे अगर आप में हिम्मत है मैंने पहले बोला मैं जान लगा दूंगा जान झोंक दूंगा अपनी लेकिन आप किसी भी बराबर एफर्ट चाहिए ये नहीं कि मैं तो यहाँ पढ़ रहा हूँ तुम मजे ले रहे हो पी पी अरे पी डी एफ ठीक है यार देख लिया देख लिया ऐसे नहीं होने दूंगा अगर आप करोगे तो ही मैं करूंगा मैं बता रहा हूँ आपको ये सर आप तो हिंदी में पढ़ा रहे हो तो इंग्लिश में कब स्टार्ट करोगे पी डी कभी पी नहीं मिलेगी मेरी सिर्फ करंट अफेयर की पी मिलती है और किसी चीज़ की पी नहीं मिलती आप किसी पुराने बच्चे से पूछ लो मैं देता ही नहीं हूँ क्योंकि पी देने से बच्चा उतना सीरियस नहीं रहता बच्चा वो सीरियस होगा जो बच्चा बनना चाहता ना ये वो बताया क्या करेगा वो रोक के ना इस वीडियो इसके नोट्स बनाएगा कितने बच्चे हैं यार कितने स्टूडेंट हैं मेरे जिन्होंने यूं के यूं नोट्स बनाए हुए हैं ठीक है मुझे अच्छा लगता है और आज उनको भी अच्छा लगता है पहले तो वो मेरे को गाली दे रहे थे ऐसे जैसे आप दे रहे हो अरे पी नहीं दोगे चलो हम नहीं पढ़ रहे मास्टर बेकार है लेकिन बाद में ना आज वो मेरे को थैंक यू बोलते हैं कि सर आपकी वजह से मैं कर पाए और आज ना हर एक चीज के नोट्स हैं हमारे पास जो एक साल पहले शुरू कर आज उनके पास सब चीज़ों के नोट्स हैं सच बता रहा हूँ मेरे को थैंक यू भेजते हैं वो ये भी बोलते हैं सर ये लो मेरे नोट्स हैं बच्चों को दे देना उनकी हेल्प होगी मैं किसी की नहीं देता भाई किसी के नोट्स भी नहीं देता मैं क्योंकि अपना काम करना है ना यार किसी दूसरे के लिए पड़ोसी के लिए आई ऑफिसर बन रहे हैं क्या अरे आपका सपना है ना तो करो ना पूरा यार जो करना पड़े करो उसके लिए भाई मेरा सपना है कि हर एक बच्चे को मैं एजुकेशन हर एक बच्चे तक पहुंचाऊं शिक्षा को आसान बनाऊं करूंगा ना मैं मेहनत करूंगा मैं तुम्हारी मदद थोड़ी नहीं लूंगा कि आओ भाई मदद करो मेरी मैं मेहनत मैं करूंगा उसके लिए जो करना पड़ेगा आपको आईएस बनना है ना इट्स योर ड्रीम एंड यू हैव टू चेज इट कोई और नहीं आएगा आपके सपने को पूरा करने सपने को पूरा करना है तो पहला कदम यही है कि आपको अपने कार्य खुद करने पड़ेंगे चलिए आगे बढ़ता हूं ज्यादा भाषणबाजी नहीं करते हैं तो सूर्य हो गया खगोलीय पिंड हो गया तारे हो गए ठीक है ये मोटी मोटी बातें जो थी हमने कर ली आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब ठीक है इसके साथ आगे देखो ये मैडम आ गई है अब ये कह रहा है कि जो सूर्य शब्द आया ना ये आया कहां से तो मैडम बता रही है देखो ठीक है ओके पढ़ रहे हैं क्या आप जानते हो पूछ रही है कह रहे हैं कि जो पौराणिक रोमन कहानियां है ना रोमन एम्पायर जो था उनकी कहानियों के अंदर में एक वर्ड का इस्तेमाल होता था जिसको हम बोलते थे सोल एस ओ एल सोल सोल जो है वो सूर्य देवता को उनको वो सूर्य देवता को सोल कहते थे ठीक है सोर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित इसीलिए सूर्य के परिवार को भी हम सोरमंडल कहते हैं देखो मैं क्या कह रहा हूं सूर्य जो शब्द आया वो कहां से आया है वो आया रोमन शब्द से जिसका नाम क्या है रोमन सैनी नहीं है रोमन सैनी जो है वो अनकेडमी का फाउंडर है रोमन एम्पायर था एक मतलब पूरा शासन था ना ठीक है वो अलग है ये रोमन सैनी अलग है यार तो रोमन जो एम्पायर था उसके अंदर में ना वो सूर्य देवता को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड बोलते थे जिसका नाम था सोल उसी शब्द से आया है उसी से संबंधित है इसीलिए हम सूर्य कहते हैं आप जैसे जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना भू भू धरा धरती प्रयायवाची शब्द होते हैं इसी प्रकार से सोर का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू सन कोई ऐसी चीज जो पृथ्वी सन से संबंधित हो इसीलिए जो सूर्य की परिवार है उसको हम बोलते हैं मंडल आप भी उसका हिस्सा हो मैं भी उसका हिस्सा हूं सोरमंडल कहते हैं उसको ठीक है सोर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्द आप लिखिए सौरमंडल का ये तो खैर कहानी है छठी क्लास के बच्चों करवाते हैं तो आपसे काम नहीं कराऊंगा मैं छोड़ दो मैडम और क्या कह रही है कि आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित होता रहता है खुश होते रहते हो है, है ना खगोल कई कई तो कुछ और ही सोच रहे होते हैं मैं वो क्या क्या बताऊंगा आपको मैं सब बात बता नहीं सकता हूँ खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं ये भी सुन लो शास्त्री हमने सुना था हमारे गांव में दो शास्त्री थे हम उनको शास्त्री इसलिए कहते थे कि हवन में मंत्र पढ़ते थे वो ठीक है कभी भी हवन में बुला लोगे ना उनको तो मंत्र पढ़ते थे हम उनको शास्त्री कहते थे हम यही सोचते थे कि भाई शास्त्री वही होते हैं जो मंत्र पढ़ते हैं ठीक है बट शास्त्री जो होते हैं वो और भी होते हैं जैसे ये रहे खगोल शास्त्री खगोल शास्त्री का मतलब क्या है दोस्तों जो आपके जो ग्रह उपग्रह होते हैं ना उनकी क्या डायरेक्शन है कैसे वो चलते हैं कब कहाँ घूमते हैं इन सब के बारे में बताए उनको भी हम खगोल शास्त्री बोलते हैं तो ये खगोल शास्त्री हो गया सो रात में ये खगोल शास्त्री कहते हैं इनको आर्यभट्ट जो है ना वो भारत के एक पुराने खगोल शास्त्री थे ठीक है बहुत बड़ा काम करके गए हैं वो कैसे उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं उन्होंने ये बता दिया था बहुत पहले कि ये जो ग्रह उपग्रह इनके पास खुद का प्रकाश नहीं है तो सूर्य के प्रकाश पे चमकते हैं ये तो दूसरे के दम पे उछलते हैं इतना चंद्रमा के पास कोई प्रयास प्रकाश नहीं है ये दूसरे के दम पे उछल रहा है आर्यभट साहब बता के गए थे और ऐसे ही और रोचक जानकारियों के लिए आज बहुत सारे खगोल शास्त्री जो है इसके पीछे पड़े हैं कि हम भी कुछ ढूंढेंगे हम भी कुछ ढूंढेंगे ठीक है भट्ट बाबा जो थे बाबा जो थे ये भारत में थे भारत के खगोल शास्त्री थे तो और बहुत कुछ ये बता के गए थे अब इन्हीं के बताए हुए कुछ चीजों से मैं भी कुछ चीजें उठा लेता हूँ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्रह क्या होता है उपग्रह क्या होता है और मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं इंग्लिश में बोलते हैं प्लान सेटेलाइट एंड दिस इज ह्यूमन मेड सैटेलाइट प्लैनेट्स क्या होते हैं दोस्तों ग्रह क्या हो? होते हैं कोई भी सेलेस्टियल बॉडी कोई भी खगोलीय पिंड अगर कुछ कंडीशन को पूरा करता है तो उसको हम ग्रह कहते हैं अगर उनमें से कुछ पूरी नहीं होती है तो फिर उसको हम किस कैटेगरी में रख देते हैं शुद्ध ग्रह किसकी कैटेगरी में रख देते हैं

अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ओके की रिपोर्ट है ग्रह कह देंगे अगर तीनों में से एक नहीं होती है बाकी दो हो रही है ठीक है तो उसको फिर हम क्या कहते हैं डवाफ प्लान यानी कि बोना ग्रह अब इसमें दूध उध का कॉम्प्लेन वाला कोई चक्कर नहीं है ठीक है वो कोई चक्कर नहीं है सर प्लीज पी डी एफ पी डी एफ पी डी एफ ठीक है आप लोग देगा सोनू देगा यार कुछ उसूल होते हैं प्लीज़ समझा करो यार मैं क्या बोल रहा हूँ आपके सामने है मुश्किल से आधा घंटा लगेगा आप इनको वीडियो को देख के पॉज करके नोट्स बनाने में लेकिन एक बार ना सोनू प्लीज एक एक बार मेरे कहने से कर लेनी तो मैं तेरे कहने पे आ जाऊंगा एक बार मेरा कहना मान ले सिर्फ छठी क्लास की एनसीईआरटी का तुम नोट्स बना के देख लो टाइम लगेगा लेकिन उसके बाद जो तुम फील करोगे ना जो कॉन्फिडेंस किसी के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा मैं गारंटी दे रहा हूँ जिसके पास पी है ना वो भी नहीं उसके पास भी नहीं होगा ये पी आते ही ना मतलब आपके पढ़ने की और मेरे पढ़ाने की वैल्यू खत्म हो जाएगी ट्रस्ट में सच बता रहा हूं मैं तुम्हें मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है एक मिनट भी नहीं लगे दे दूंगा बट इसकी वैल्यू खत्म हो आप मेरे कहने से शिक्ष शिक्ष क्लास में आप एक दो दिन करो नोट्स बना के पढ़ो उसके बाद करते हैं ना बात कोई बात नहीं अगर मेरा मतलब तरीका ये अच्छा नहीं हुआ तो मैं आपके तरीके पे आ जाऊंगा सो मैंने क्या बताया ग्रह कह रहा हूं मैं कुछ खगोलीय पिंडों में अपना खुद का प्रकाश और उषमा नहीं होती वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं ऐसे पिंडों को हम ग्रह कहते हैं इसमें सामान्य परिभाषा दी है कि ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं ग्रह है ग्रह हैं। जिसे अंग्रेजी भाषा का प्लेनेट शब्द है वहां से लिया गया है इसको ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक परिभ्रमक मतलब जो सूर्य के ओर घूमता है तो एक कंडीशन तो यही है कि ये परिभ्रमक होना चाहिए भैया परिभ्रमक होना चाहिए और किसके चारों तरफ परि परिभ्रमक करना चाहिए इसको सूर्य के चारों दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए सूर्य के चारों तरफ ये घूमना चाहिए इसको परिभ्रमक कहते हैं तो परिभ्रमक क्या होगा सूर्य के चारों तरफ अगर कोई ग्रह अगर कोई भी खगोलीय पिंड सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहा है तो एक कंडीशन तो पूरी हो गई कि वो ग्रह बन सकता है दूसरी कंडीशन पता है क्या होती बच्चों फिक्स ऑर्बिट फिक्स ऑर्बिट का मतलब हिंदी में क्या होगा दोस्तों सर उसका जो कक्षा क्षेत्र है ना जो उसका कक्षा क्षेत्र है वो क्या होना चाहिए फिक्स होना चाहिए उसमें कोई झोलमोल नहीं कभी आज इधर से जा रहा है कल उधर से चला जाए वो नहीं होना चाहिए फिक्स्ड ऑर्बिट होना चाहिए फिक्स ऑर्बिट तो अगर फिक्स ऑर्बिट है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे दोस्तों उसको भी हम ग्रह की एक और कैटेगरी हो जाती है अच्छा तीसरा और होता है तीसरा क्या होता है दोस्तों तीसरा होता है कि उसका जो पाथ है जिसमें वो रोटेट कर रहा है पाथ शुड बी क्लियर उसके अंदर कोई सेलेस्टियल बॉडी और नहीं होना चाहिए पाथ शुड बी क्लियर जिसमें वो चक्कर काट रहा है ना वो अगर इनमें से तीन में से किसी के पास भी एक कंडीशन नहीं है पहला सूर्य के चारों तरफ चक्कर मारेगा चक्कर फिक्स ऑर्बिट में मारेगा और उसके आसपास जो है डेंसिटी कम होनी चाहिए और सेलेस्टियल बॉडी नहीं होनी चाहिए उसके पास और खगोली पिंड नहीं, नहीं तो उसका चक्कर वो टकरा के अपना पाथ बदल लेगा प्लूटो के साथ ऐसा ही है इसलिए उसको क्या कहते हैं हम दोस्तों प्लूटो तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है इसलिए उसको ग्रह कहते हैं ठीक है डॉप प्लांट कहते हैं तो अगर हम बात करें ग्रह वो होते हैं वो खगोलीय पिंड जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता ये सूर्य के दम पे उछलते हैं सूर्य के दम पे उछलते हैं इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों अभी बताऊंगा ग्रह ग्रह भी सारे हैं लिस्ट अपने पास बताऊंगा तो उनको हम ग्रह कहते हैं ये प्लेनेट प्लेनेटाई शब्द से मिलकर बना होता है जो कहां का है दोस्तों आपका ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है फिर आता है उपग्रह

तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों इसको उपग्रह बोलते हैं तो उपग्रह क्या होते हैं ऐसे खगोली पिंड जो ग्रहों के चारों उसी प्रकार से एक एक स्थायी कक्षा में चक्कर लगाएं जिस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ कौन लगाते हैं ग्रह उसको हम क्या कहते हैं उपग्रह तीसरा है मेरे पास मानव निर्मित उपग्रह ये कौन होते हैं सर मानव निर्मित उपग्रह वो उपग्रह होते हैं जो बेसिकली मनुष्य ने बनाए हैं पृथ्वी को ऊपर से पढ़ने के लिए हम अध्ययन करते हैं ना पृथ्वी का मौसम का ठीक है हर चीज का तो आदमी ने क्या कर रखे हैं ना खुद के सैटेलाइट बना रखे हैं खुद के उपग्रह बना रखे हैं हमारे पास बहुत सारे लॉन्च वहीकल हैं जैसे अपने पास पीएसएलवी है जीएसएलवी है जीएसएलवी मार्क वन मार्क टू मार्क थ्री बाहुबली ये सब हैं अरिना स्पेस के पास है अपने खुद के तो ये जो लॉन्च व्हीकल है ना ये क्या करते हैं इन सैटेलाइट को इन उपग्रहों को ऊपर अंतरिक्ष में लेते हैं फिर अंतरिक्ष से ऊपर से निगरानी करते हैं इनका इस्तेमाल हम कम्युनिकेशन में भी करते हैं दूरसंचार में भी करते हैं तो इनको हम बोलते हैं मानव निर्मित उपग्रह दे आर नोन एज द मानव निर्मित उपग्रह ठीक है सर अगर बुक ही ले ले तो नोट्स बना नहीं यार अंकित यार नोट्स बनाना पड़ेगा खुशवा भाई नोट्स बनाना पड़ेगा यार ठीक है यार तुम भी अंकित खुशवा हो के तुम खुशक मिसाज हो गए तुम नोट्स मेहनत करने से डर रहे हो यार क्या बात कर रहे हो यार ये तुम्हारे नाम के साथ दोस्त सूट नहीं कर रहा मेहनत से मत टलो इतिहास गवाह है जिस तुम तो मेहनत से टला है ना पीछे हटा है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया और मैं नहीं चाहता कि हमारे खुशवाज ही जो है वो पीछे रह जाए मेरे कहने पर करो तो सही यार प्लीज ठीक है सर आप कहाँ से हैं मैं नारनोड़ हरियाणा से हूँ अरे यार लकी नीतेश भाई जहागीर साहब मैं गुड़गांव से हूँ दोस्त ठीक है महेंद्रगढ़ में मैं पढ़ता था यह दुवंशी शिक्षा निकेतन मेरा स्कूल था उसकी एक ब्रांच नारनौल में भी है ना यह दुवंशी शिक्षा निकेतन तो मैं उधर की ब्रांच में भाई गुड़ जो महेंद्रगढ़ वाली ब्रांच थी उसमें पढ़ता था मैं आया हुआ था एक बार वहाँ पे देखने क्लस्टर गेम हुए थे तब मैं आया था हरियाणा से हूँ मैं भी भाई गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट है मेरा मेन ठीक है

सबसे पास जो है वो कौन सा है दोस्तों अपने पास बुद्ध ग्रह है। अच्छा बुद्ध ग्रह को मरकरी बोलते हैं क्या बोलते हैं मरकरी इंग्लिश में बोलते हैं इसकी डिस्टेंस सूर्य से कितनी है अट्ठावन मिलियन किलोमीटर एट्टी फिफ्टी एट कितना है? Million million, एक million जो होता है उसका मतलब होता है दस लाख ठीक है तो इसका है अट्ठावन मिलियन किलोमीटर दूर है सूर्य से सूरज बुद्ध बुद्ध के बाद में दूसरा कौन सा है दोस्तों वीनस अच्छा एक बात बताओ बुद्ध और शुक्र में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा होना चाहिए ऑब्वियस बात है जो सूर्य के सबसे पास है वो गर्म लेकिन बुद्ध गर्म नहीं है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों शुक्र शुक्र ग्रह को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं इसका कारण क्या है देखो इसके पास कोई एनवायरमेंट नहीं है इसके पास कोई पर्यावरण नहीं है लेकिन शुक्र के पास एक पर्यावरण होता है इस पर्यावरण के अंदर में ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा है और उन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से आपको पता है क्या होता है सूर्य का प्रकाश अंदर तो आ जाता है लेकिन बाहर नहीं जा पाता और इसकी वजह से इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म है यह बात याद रखना ठीक है बुद्ध ग्रह सबसे पास में है किसके दोस्तों सूर्य के लेकिन अगर हम बात करें तो वीनस ग्रह शुक्र ग्रह वो सबसे गर्म है इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है हमारी पृथ्वी जिसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं ठीक है जिसको हम क्या कहते हैं ब्लू प्लैनेट ब्लू क्यों कहते हैं इसमें पानी है इसलिए ये सबसे विभिन्न प्रकार का प्लैनेट है इसमें पानी होने की वजह से जीवन भी है और ये ऊपर से जब हम देखते हैं तो ब्लू कलर का दिखता है ठीक है इसके बाद है दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट है मंगल मंगल जो है वो पृथ्वी के बाद चौथे नंबर पे आता है 228 मिलियन किलोमीटर की लंबाई है देखो पृथ्वी एक ऐसी जगह है जो मतलब बहुत सही दूरी पर है ठीक है बहुत सही डिस्टेंस पे है ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास और इसी की वजह से ना ठीक है ये सबसे बेस्ट है अर्थ जो है वो सबसे बेस्ट लोकेशन पर है जीवन के लिए अच्छा इस क्लास के बाद में यार देखते हैं कर पाते ही नहीं कर पाते क्विज हमने रखी है छोटी सी ठीक है ऐप के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है तो आप जाके उसमें एनरोल कर सकते हो अभी देखते हैं वो कर पाते हैं कि हम नहीं कर पाते अच्छा गाइज एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार प्लीज यार जितने भी दोस्त हैं मेरे ठीक है एक रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार ताकि मैं अगली बार ना और उत्साह से आ पाऊं मैं एनर्जी के साथ में आपको पढ़ा सकूं डेली मुझे साढ़े आठ बजे क्लास लेनी है मैं चाहता हूं मैं एनर्जेटिक अच्छा सुनो यार हम क्या सोच रहे हैं ना कि आपके इस चैनल पर ना मैं करंट अफेयर की भी छोटी छोटी वीडियो डालूंगा जैसे करंट अफेयर के एक दिन में मैं आठ बड़े टॉपिक पढ़ाता हूँ मेरे चैनल पे तो मैं क्या सोच रहा हूं आठ टॉपिक में से अपन ऐसा कर सकते हैं कि एक एक, एक टॉपिक को मैं काट के आपके पास भी तो कि आपको करंट अफेयर भी मिलता रहे ठीक है बराबर मेरी शकल देखते रहोगे तो अचानक से देख के गुस्सा भी नहीं आएगा आपको ठीक है तो वो मैं चाह रहा हूँ उसके बाद चलते हैं मंगल मंगल ग्रह जो है इसको रेड प्लेंट कहते हैं ठीक है रेड प्लैंट इसलिए कुछ आयरन ऑक्साइड्स यहाँ पे पाए जाते हैं जैसे रेड प्लान इसको बोलते हैं दो मिलियन किलोमीटर की लंबाई है लाल ग्रह अभी जीवन के पीछे पड़े हैं मस्क इसी के पीछे पड़ा हुआ है उसके बाद है जुपिटर सात जो है मिलियन किलोमीटर इसकी लंबाई है बृहस्पति इसको कहते हैं बृहस्पति के बाद शनि आता है सबसे सुंदर ग्रह दोनों गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा है ये दोनों सबसे ज्यादा लेके बैठे हैं ये तो सुंदर है भाई बनता भी है लेकिन ये दादा है जुपिटर ठीक है बृहस्पति है ना इसको रोमन लैंग्वेज में डॉन कहते थे अंडरवर्ल्ड का डॉन ऐसा भी है मैं बताऊंगा आपको तो ये सात मिलियन किलोमीटर दूर है उसके बाद में सनी है सनी के अगर देखें तो इतना है सनी के बाद आता है यूरेनस यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून नेपच्यून जो है देखो इस कलर का है सबसे दूर का ग्रह इसके बाद प्लूटो, प्लूटो बट उसको हम रखते नहीं अच्छा एक बात ध्यान रखना दोस्तों चार प्लेनेट है ना पहले चार प्लेनेट जो है इनको हम बोलते हैं क्या बताओ टेरेस्टियल प्लेनेट ठीक है और ये जो बाकी के चार है इनको हम बोलते बोलते हैं हैं मतलब बृहस्पति बृहस्पति से नाम है इसका ग्रह और इनको हम स्थलीय ग्रह बोलते हैं इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है इनकी डेंसिटी क्या होती है कम होती है याद रखना मंगल और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होती है जिसको हम बोलते हैं शुद्ध ग्रह पट्टी क्या बोलते हैं इसको शुद्ध ग्रह पट्टी इसमें बहुत सारे शुद्ध ग्रह जो है वो आपके

ठीक है और ये जो सूर्य के चारों तरफ करता है इसको इसको हम बोलते हैं परिक्रमण हिंदी में घूर्णन भी कहते हैं क्या बोलते हैं इसको घूर्णन भी बोलते हैं तो सूर्य के चारों तरफ का चक्कर एक परिक्रमण कितने दिन में पूरी करता है बुद्ध अठासी दिन में पूरा करता है मतलब यहां पे एक साल कितने दिन का अठासी दिन का है एंड अपने अक्ष पे जो घूर्णन पूरा करता है वो 59 डेज में पूरा कर लेता है ठीक है मतलब अपने इसका एक दिन जो है वो अपने यहाँ के 59 डेज के बराबर है ठीक है, स्लो घूमता है इसका मतलब शुक्र की बात करें तो इसका एक साल है दो दिन के बराबर और इसका एक दिन जो है, वो है और इतने ही टाइम पे सूरज के लगभग ऑलमोस्ट सेम है ना देखो ज्यादा फर्क नहीं है पृथ्वी की बात करें तो तीन दिन में हम सूर्य के चारों तरफ चक्कर मार लेते हैं और एक दिन हमारा यहाँ का है हमारे चंद्रमा की संख्या भी एक ही है ठीक है एक ही से पृथ्वी आई लव यू बोलती है चंद्रमा मंगल की बात करते हैं तो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाता है छो दिन होते हैं आज के के टाइम पे ऐसी एक एक वाला वाला सिस्टम सिस्टम मिलता नहीं नहीं है 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 ना ठीक दुनिया कुछ भी गए लेकिन एक वाला होता सूर्य चारों तरफ परिक्रमा ये कितने दिन में करता है छह दिन में करता है अपने अक्ष के चारों तरफ ये भी एक दिन में पूरा कर लेता है और इसके चंद्रमा की संख्या कितनी बताई जाती है दो फोबोस और डीमोज लाइक मोमोज इसके उपग्रह का नाम है फोबोज और डीमोस दो हैं, ठीक है इन सबको मिला के, के नजदीक और, 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 और तरल पदार्थों से बने होते हैं बृहस्पति ग्रह जो है वो सूर्य के चारों तरफ अपनी एक परिक्रमा ग्यारह साल और ग्यारह महीने में लगभग बारह साल में पूरी करता है और अपने अक्ष के चारों तरफ जो है एक चक्कर वो नौ घंटे में तेज घूमता है पूरा फास्टम फास्ट चलता है ठीक है साइज बड़ा है ना तो जल्दी पूरा कर लेता है इसके चंद्रमा की संख्या तिरपन थ्री लेके बैठा है भाई साहब जो आप में से कई लोग हैं ना जिनके पास नहीं है उनकी वजह यही हो सकता है मजाक कर रहा हूं शनि की बात करें तो ये भी देखो 53 है बट ये लगभग लिखा हुआ है दैट एक्यूरेट नहीं है कई किताबों में 21 22 ऐसा आपको मिल जाएगा सूर्य के चारों तरफ लगाता है उनतीस साल पांच महीने और अपने अक्ष के चारों तरफ लगाता है दस घंटे चालीस मिनट ठीक है कितने लगाता है दस घंटे चालीस मिनट फिर आता है यूरेनस पे सूर्य के चारों एक परिक्रमा पूरी करता है चौरासी साल में अपने अक्ष के चारों तरफ करता है ये जो है ना यूरेनस को रोलिंग प्लैनेट बोलते हैं रोलिंग प्लैनेट क्यों पता है आपको आपको कलावाती पता है कैसे होते हैं जैसे सर के ऐसे कलावाती नहीं करते हैं क्या बोलते हैं उसको ऐसे सर रख के ऐसे यू फ्लिक कर जाते हैं तो ये ऐसे ही लगता है ग्रह ये जैसे कलाबाती कर रहा है ठीक है कलाबाती क्यों कर रहा है मैं आपको बताता हूं देखो ये सूरज है तो सूरज के चारों तरफ घूमेगा ही घूमेगा ठीक है लेकिन इसका जो ऑर्बिट है ना ठीक है वो ऑर्बिट ऐसे है ऐसे ठीक है सॉरी ऐसे ऑर्बिट है तो ये ऐसे ही घूमता है तो ये ऐसे भी घूमता रहता है ऐसे ऐसे घूमता रहता है तो ऐसा लगता है जैसे अपने कलाबाती करता करता है सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहा है तो इसको रोलिंग प्लानेट भी बोलते हैं हम ठीक है चंद्रमा लगभग सत्ताईस है नेपच्यून की बात करें तो ये एक सबसे दूर है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे ठंडा ग्रह जो है वो आपका यही कहलाता है ठीक है ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्लियर है बच्चों अगर समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में लिखोगे ओके की रिपोर्ट है और साथ साथ में भी लिख दो तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं फटाफट जिसको ज्यादा समझ में आ गया वो लिख दीजिए तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं फटाफट से लिख दो जल्दी लिख दो एक बार फटाफट से वीडियो लाइक कर दो शेयर कर दो यार जल्दी से अच्छा गाइज ये क्विज भी अपनी चलेगी ऐप के ऊपर वो भी आप कर सकते हो ठीक है जो मेरे जो फॉलोवर हैं उनको मिल जाएगा जो बाकी मेरे नहीं हैं फॉलोवर उनसे मैं आघात वो करूँगा उनसे मैं आग्रह करूँगा कि आप भी मेरे को फॉलो कर लें अन के ऐप के ऊपर ताकि आपको भी सारी चीज़ें जो हैं वो लगातार मिलती रहें क्या लिख रहे हो भाई ये सर अभी तो हिंदी में पढ़ रहे हैं लेकिन अगर सिलेक्शन हो जाता है तब लवासना के लेक्चर कैसे फेस करेंगे रूपल रूपल श्रीवास्तव वो भी होगा इसीलिए मैं आपको दोनों चीज़ सिखा रहा हूँ आप टेंशन मत लो सर जो आप पीपीटी दिखा रहे हो उसमें से सब नोट्स करना है या आप जो पी दिखा रहे हो उसमें से सब नोट करना, करना? हाँ मैं जो पीपीटी दिखा रहा हूँ इसी में से करना है भाई ठीक है जो मैं पीपीटी पी दिखा रहा हूँ इसी से करना है ठीक है तो ये हो गया हमारे पास सब ग्रहों के बारे में इसके बाद आगे बढ़ते हैं देखो सूर्य है, देखो सूर्य है ना इसकी अलग अलग परत होती है सबसे अंदर वाले भाग को कोर कहते हैं ठीक है इसके बाद ये रेडिएटिव जोन होता है बट अभी काम का नहीं है क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे तो बस ये मैंने रख दिया ठीक है इसके आउटर मोस्ट पार्ट को कोरोना कहते हैं फिर ये क्रोमोस्फेर आता है ये फोटोस्फेर आता है ये कन्वेक्टिव जोन आता है रेडिएटिव जोन आता है कोर आता है मुझे पता है सर आप क्या कहोगे सर हिंदी में मैंने आपको पहले ही बोला है ये तो मैंने एक डायग्राम रखा है तो मैंने रख दिया ठीक है बाकी जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में सब चीज बताऊंगा हिंदी में ही बताऊंगा देखो सूर्य हमारे सौरमंडल के बिल्कुल केंद्र में स्थित है हमारा जो सौरमंडल है उसके सेंटर में यही है सोर्स ऑफ एनर्जी यही है इसी से ऊर्जा आती है इसके ग्रेविटेशनल बल से ये हमारा जो ग्रह ग्रह है ना हमारा पृथ्वी उससे बहुत बड़ा है तो इसी के ग्रेविटेशनल पुल से क्या होता है हमारा पूरा सौरमंडल जो है वो एक जगह पे टिका हुआ है सटा हुआ हुआ है है एक जगह पे जुड़ा थैंक्स टू इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम खिंचाव का बल कहते हैं वही इसको बांधे हुए जो सौरमंडल के लिए जितना भी प्रकाश और ऊर्जा आती है वो एकमात्र उसका स्रोत अगर कोई पूछे आपसे तो सन इज द ओनली सोर्स ऑफ द एनर्जी जितनी भी हमारे पास एनर्जी है सूर्य से ही आती है ठीक है लेकिन इससे जो हमें उषमा मिलती है वो बहुत तेज़ होती है बट हमें महसूस इतनी क्यों नहीं होती बिकॉज हम डेढ़ सौ मिलियन दूर है ना मतलब हमारी डिस्टेंस बहुत दूर है और इसका प्रकाश का सारा भाग जो है हमारे हम तक नहीं पहुंचता ओजोन लेयर जो है हमारे पृथ्वी पर वो रोक लेती है यूवी रेस को ठीक है उसके अलावा जो अल्फा बीटा गामा जो शॉर्ट वेव होती है बहुत ही शॉर्ट वेव उनको हमारा जियोमैग्नेटिक फील्ड रोक लेता है तो वो चीज़ है सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है अब लगता ऐसा है डेढ़ सौ मिलियन किलोमीटर दूर बहुत दूर की बात है सूर्य से लगभग कितने किलोमीटर है दोस्तों सूर्य से पृथ्वी लगभग करोड़ किलोमीटर दूर है अभी डेढ़ सौ मिलियन किलोमीटर समझ में आई बात समझ में आई तो लिख दो हाई हाई मिर्ची मिर्ची सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं हम इसके बाद बात करते हैं पृथ्वी ठीक है पृथ्वी अब मैं आगे पढ़ाऊंगा जब पृथ्वी पढ़ाऊंगा कि पृथ्वी का स्ट्रक्चर होता है क्रस्ट मेंटल कोर क्रस्ट को बोलते हैं हिंदी में भू चटपटी क्या बोलते हैं भू चटपटी इसको क्या बोलते हैं चटपटी नहीं आवरण बोलते हैं इसको बोलते हैं दोस्तों आवरण या आवारा इसको बोलते हैं पागल दीवाना नाभिक बोलते हैं इसको अंदरी भाग भू चटपटी सॉरी भू परपटी आवरण और नाभिक सो पृथ्वी जो है वो अगर हम बात करें तो दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे नंबर पे आता है पहले पे कौन है बुद्ध शुक्र और तीसरे पे पृथ्वी तीसरे पे आता है आकार में हम पांचवे सबसे बड़े ग्रह हैं ठीक है फिफ्थ लार्जेस्ट है हमारा प्लान ट है हमारा ये ये ध्रुवों ध्रुवों को आपस में ये के आपस में के थोड़ी सी चपटी है है ना पृथ्वी की शेप थोड़ी चपटी है इसीलिए इसका आकार कैसा होता है उसको भूआब कहते हैं क्या कहते हैं भूआब इंग्लिश में इसको बोलते हैं जियोइड वैसे हिंदी में इसको जियोइड भी लिख सकते हो आप ऐसा लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे करके लिख दो एक ही बात है बट इसको भूआब भी कहते हो आप भूआब का तो होता है पृथ्वी के समान आकार का भू मतलब पृथ्वी के आब मतलब उसके आकार जैसा तो इसकी शेप को हम भूआब भी कहते हैं पृथ्वी के समान आकार भी बोलते हैं जीवन के लिए जितनी भी अनुकूल परिस्थितियां हैं वो पृथ्वी पर ही संभव है पानी यहां पर है बराबर तापमान है इसीलिए इस दुनिया में कहीं पर भी जीवन नहीं है सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर है और इसीलिए सारे ग्रहों में से पृथ्वी जो है बहुत यूनिक ग्रह बनती है अपने आप में क्योंकि इसके पास जीवन के लिए सारी आवश्यकताएं हैं जैसे गैस ऑक्सीजन ठीक है सब सारी चीजें जो है इसीलिए इसको सबसे अद्भुत ग्रह आ जाता है बस बस चमकू डटजा भाई डटजा उला उला डटजा रुक जा मॉडरेटर एक्सेस भी है मेरे पास मैं मॉडरेट भी कर दूंगा फिर ठीक है एक बार लिख के छोड़ दिया अगर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों संगीता भारद्वाज लाल मिर्ची हरी भी लो लाल की जगह हरी लो मेटाबॉलिज्म तेज होता है और अच्छी होती है हरी मिर्च आंख के लिए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्यों दिखाई देती है क्योंकि दो तिहाई पानी दो तिहाई भाग पानी से ढका हुआ है ठीक है ये भी हमने देख लिया अब आगे आते हैं दोस्तों किस पे चंद्रमा पे ठीक है चंद्रमा यार हमारी पृथ्वी की सॉरी हमारी पृथ्वी का उपग्रह है ठीक है क्या है हमारे पृथ्वी का उपग्रह है एकमात्र उपग्रह हमारे पृथ्वी के पास जिसको हम चंद्रमा कहते हैं इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास के एक चौथाई है मतलब इसका जो डायमीटर है ठीक है वो वन फोर्थ है मतलब साइज में काफी छोटा है पृथ्वी से इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह और अन्य खगोलीय पिंडों के मुकाबला अगर हम करें तो सबसे नजदीक है अच्छा बड़ा दिखता है ना चंद्रमा क्योंकि तो हमसे सबसे पास है बाकी सारे खगोलीय पिंड हमसे बहुत दूर है प्लेनेट सब दूर है हमसे लेकिन ये बहुत पास है इसलिए हमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है ठीक है अच्छा दिखाई देता है इसकी दूरी हमसे है तीन लाख चौरासी हजार चार सौ किलोमीटर आप कहोगे सर ये कैसी बोगस बोगस बात बता रहे हो ठीक है चुरकुट बात बता रहे हो आप हमें भाई आपको अभी मैं बताऊँ चुर्कुट लग सकती हैं बातें इसमें कोई शक नहीं है कोई दोहराई नहीं है अभी आपको बातें चुरकुट लग सकती हैं लेकिन एक बात मैं आपको सुनिश्चित करके बता दूं जब मैं पढ़ाऊंगा ना टाइड जवार भाटा तो यही छोटी छोटी बातें आपके काम आएंगी सो ये कह रहा है कि इससे लगभग लगभग तीन लाख चौरासी हजार किलोमीटर ये दूर है पृथ्वी ये हमसे और अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी की तुलना कर लो कितनी है सोच हो ना कितना एक पंद्रह मिलियन किलोमीटर यार ठीक है बहुत दूर होता है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है ठीक है पृथ्वी उसके चारों तरफ ना ऐसे 27 दिन में घूमता है और इन चीज़ों का इस्तेमाल हम कहा करेंगे बच्चों जवार भाटा में ठीक है हम जवार भाटा जब पढ़ेंगे तब इनका इस्तेमाल करेंगे इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ये छोटी छोटी बातें बाद में बहुत बड़ी बनेंगी इसलिए ध्यान रखो लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष के मतलब इसका भी वही सेम हाल है वीनस की तरह बुद्ध जैसे शुक्र अपना एक चक्कर अक्ष के चारों तरफ मारता था ना ऐसे जैसे घूम रहा है दिख रहा है आपको ये घूम रहा है तो जैसे अपने चारों तरफ घूम के पूरा करेगा उतना ही टाइम ही लगभग लगाता है पृथ्वी के चारों तरफ इसीलिए इसीलिए हमें इसका एक भाग कभी दिखता ही नहीं है एक ही भाग हमें दिखता है सूर्य चंद्रमा का दूसरा भाग हमें दिखता ही नहीं है और उसी भाग की खोज करने के पीछे हम पड़े थे हमारा जो अभी गया था ना चंद्रयान तो हम इसके उसी पोल पे गए साउथ पोल की तरफ गए थे जो हमें दिखाई नहीं देता जो डार्क पार्ट है शेड्यूल पार्ट है ठीक है इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है बहुत जरूरी है इसीलिए उस दूसरे भाग को देखने के लिए हमने चंद्रयान भेजा था अभी चंद्रयान ठीक है जो हमारा लगभग ऑलमोस्ट पास रहा बट हाँ थोड़ा फेलियर उसके अंदर हुआ है चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है इसीलिए हम वहां पर रह नहीं सकते इसकी सतह पर पर्वत है मैदान है बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं चंद्रमा की जो सतह है उस पर छाया बनती है पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इसकी छाया को आप मतलब देख सकते हो ठीक है सूर्य के हिसाब से तो इसमें भी अमावस्या और पूर्णिमा कॉन्सेप्ट होता अगेन दैट वी विल डिस्कस इन द टाइड उजवार भाटे में पढ़ेंगे बच्चों आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इनका तो बेसिक लेकिन ये बेसिक बातें भी ना बहुत जरूरी रहेंगी और यकीन मानना दोस्तों ये आगे आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है बहुत ही आवश्यक है ठीक है अच्छा दोस्तों एक बात और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे फीडबैक जरूर दें क्लास का बिकॉज सिर्फ यही नहीं मैं चाहता हूँ कि और भी अच्छी चीज़ें आपके लिए हम लेके आए नॉट नॉट इवन जोग्राफी वी आर मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपके लिए एनवायरमेंट भी मैं कराऊँ मैं प्लान कर रहा हूँ आपके लिए साइंस एंड टेक कराऊँ मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम जो है करंट अफेयर के मैं कम से कम चार पाँच वीडियो डेली आपके लिए लेके आऊँ ठीक है शॉर्ट्स लेके आए हम छोटे छोटे आपके इस चैनल के ऊपर तो उसके लिए मुझे आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी है आपका मोटिवेशन मुझे बहुत जरूरी है आपकी सपोर्ट मुझे बहुत जरूरी है ठीक है लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों आप जितना मुझे दोगे ना मैं उसे दस गुना आपके लिए करूंगा आगे बढ़ रहे हैं मित्रों अगली बात आती है शुद्ध ग्रह देखो शुद्ध ग्रह कौन से होते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इनको एस्टीरोइड स्टीरोड नहीं वो बॉडी वाले नहीं एस्टीरोइड बोलते हैं इनको इनकी एक प्रॉपर बेल्ट होती है शुद्र ग्रह की मैंने बताया ना अभी मंगल और किसके बीच में होती है बृहस्पति के वहीं पाए जाते हैं तो तारों ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी होते हैं जो सूर्य के ये भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर मारते हैं तो आप बोलोगे सर इनको ग्रह क्यों नहीं कहते बोना ग्रह क्यों नहीं कहते इनमें कुछ कमी है ना इसीलिए तो शुद्र कह रहे हैं हम इसीलिए क्या बोल रहे हैं शुद्र ग्रह है ये भी ग्रह जैसे मतलब ये भी उसी मटेरियल से बने हैं शायद जिससे हमारी पृथ्वी बनी है जब हम पृथ्वी के अंदर की पार मैं जब एक टॉपिक पढ़ाता हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ तो मैं बताता हूं कि हमें पृथ्वी के अंदर घुस के थोड़ी ना पता चला है कि पृथ्वी के अंदर क्या है हम ऐसे ही स्टेरॉइड जो आपके हैं हमारे पास शुद्ध ग्रह इनकी स्टडी करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पृथ्वी के अंदर भी क्या होगा क्योंकि जैसे जिन चीजों से ये एस्टेरॉइड्स बने होते हैं लगभग उसी चीज से हमारी पृथ्वी बनी है जब अंतरिक्ष बन रहा था उसी टाइम पे धरती भी बनी थी और उसी टाइम पे ये शुद्ध ग्रह भी बने थे तो ये भी उसी प्रकार के खगोलीय पिंड हैं बट इनका कुछ कंपोजिशन होता है वो क्या होता है अलग होता है सो so, ग्रहों, बृहस्पति ग्रहों के कक्षाओं के, के, के बीच में पाए जाते हैं ठीक है एक रिक्वेस्ट हो रहा है बच्चों आपसे सबके सब बच्चे मेरा टेलीग्राम चैनल जब सब सब फॉलो करेंगे मेरा टेलीग्राम चैनल देखो कमेंट बॉक्स में जिस बच्चे को पता है प्लीज एक बार बता दीजिएगा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिएगा सारे के सारे बच्चे मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ जाएं अगर मेरे से आप डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मेरा चैनल है पे भी जुड़ जाइए टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए मेरे अपना यू, ऐ, जो है एक पेज भी है फेसबुक पे आप उसके साथ भी कनेक्ट हो जाइए होना नहीं हो जाइए फटाफट से सारे के सारे बच्चे सो शूद्र ग्रह क्या होते हैं दोस्तों ये भी ग्रहों की ही बातें होते हैं ग्रहों की बातें होते हैं ग्रह उपग्रह तारे सूर्य इनके इत्यादि अलावा भी बहुत सारे खगोलीय पिंड होते हैं उनको हम कहते हैं इन पिंडों को शुद्ध ग्रह कहा जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं वैज्ञानिकों की अगर हम बात माने तो जो शुद्ध ग्रह होते हैं ना ये ग्रह के ही भाग होते हैं ग्रह से ही टूट के बनते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले जो विस्फोट हुआ था बिग बैंग थ्योरी जिसको कहते हैं उस प्रोसेस के अंदर में ये ग्रहों से टूट कर क्या हो गए थे अलग हो गए थे तो इसको हम क्या बोलते थे शुद्ध ग्रह सो तारों ग्रह उपग्रह के अतिरिक्त और भी चीजें होती हैं तो ये अपने को यहाँ पे देखनी है समझ में आ रही बात दोस्तों ठीक है डेली होगी भाई क्लास बिहारी जी डेली क्लास होगी डेली साढ़े आठ बजे आ जाना ना दो के बढ़िया लिट्टी चोखा खुद भी खा लेना मेरे को भी खिला देना ऑथेंटिक चाहिए लेकिन बिहार वाला बढ़िया ऐसे नहीं कहीं एकदम बिहारी लिट्टी चौखा खिलाना ठीक है और आ जाना ठीक है टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो यार देखो लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का मिल रहा है कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल जो है वो फॉलो कर लो ठीक है चलिए आगे बढ़ जाएं आगे बढ़ते हैं चलिए शुद्ध ग्रह के बाद आते हैं दोस्तों उल्का पिंड जो इस प्रकार से आपको धरती पर करीबर गिरते हुए दिखाई देते हैं आपको ऐसा लगता है जैसे टूटते हुए तारे गिर रहे हैं वो तो तारे वारे नहीं होते ठीक है वो उल्का पिंड होते हैं अब जब वो आपके एटमॉस्फेयर में अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं ना तो फ्रिक्शन घर्षण की वजह से उनमें आग लग जाती है है ना हमारे एटमोस्फेयर में घर्षण की वजह से आग लग जाती है उसकी वजह से जलते दिखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि टूटते हुए तारे हैं फिर अलग अलग वो बवंडर मचाए जाते हैं कि आग बंद करो विश पूरी करो फलाना नहीं फिल्मी बातें होती कुछ नहीं होता ठीक है कुछ ना होता आग बंद मत करना कभी तुम्हारे ऊपर गिर गया कम से कम इधर उधर तो भाग लोगे बच के तो इनको बोलते हैं उल्का पिंड ठीक है और कोई जब धरती पे गिर जाता है ना कभी कभी क्या होता है जल नहीं पाते है ज्यादातर तो ऊपर ही खत्म हो जाते हैं कई बार जो नीचे गिर जाता है उसको हम बोलते हैं उल्का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड होते हैं कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की जैसी हो जाती है गिर भी जाते हैं इस दौरान वायु के साथ इनका घर्षण होता है जिसके फलस्वरूप ये आग लग जाती है इनमें तो ये जल जाते हैं तो कई बार जल के चमकदार प्रकाश उत्पन्न करके खत्म और कई बार ये क्या होते हैं पृथ्वी पर आ गिरते हैं जब धरातल पर ये गिरते हैं ना तो उनको उल्का कहते हैं और धरातल पर गिरने की वजह से इनसे गड्ढे बन जाते हैं क्या बन जाते हैं दोस्तों इनके गड्ढे बन जाते हैं ठीक है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि उल्का क्या होती है उल्का पिंड क्या होती है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज एंड यू हैव टू लर्न इट ठीक है समझना आपको पड़ेगा दिस इज उल्का पिंड आप देखो मैं कुछ बातें बताता हूं जैसे एक एक प्लैनेट है हमारे पास उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें मैं चाहता हूँ चटपटी से आप देख लो मरकरी टेरेस्टियल प्लान है अभी ये थोड़ा इंग्लिश में है बिकॉज ये मैंने नासा की साइट से उठा के रखा है बस आप ये याद रखो इसका लाइट ईयर कितना है मतलब एक साल अट्ठासी दिन का है कितनी दूर है इतनी दूर है इसको रोमन गॉड ऑफ स्पीड कहते थे रोमन सैनी नहीं है रोमन एम्पायर था उसमें स्पीड का देवता इसको कहते थे ठीक है इसकी डिस्टेंस कितनी है मून कितने है? इसके पास देखो लिखा हुआ है जीरो बस इतना देखो ये मत पढ़ो वैसे पढ़ा क्या मैं बता देता हूं स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे पास है सबसे पास है ये सूर्य के ग्रह मरकरी जो है ये फास्टेस्ट प्लैनेट है सबसे तेज घूमता है दोस्तों अब ये क्योंकि हिंदी में था नहीं ये स्क्रीन शॉट है इसीलिए इंग्लिश में अदरवाइज सब चीज में हिंदी में ही करता हूं समझ में आ रही बात दोस्तों आगे बढ़ेंगे दोस्तों वीनस वीनस, वीनस टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है वीनस जो है ये धीरे धीरे घूमता है अपने उसके चारों तरफ धीरे धीरे घूमता है इसीलिए इसकी जो रोटेशनल है और रिवोल्यूशन जो परिक्रमण और परिभ्रमण का समय लगभग समान है दो ये तो मैंने आपको बता भी दिया ऑलरेडी ठीक है रोमन गॉड ऑफ लव कहते हैं इसको बस इतना याद रखो प्यार का देवता रोमन एम्पायर में प्यार का देवता इसको कहते हैं ये बात याद रखना इसके बाद हमारे पास पृथ्वी इसको कहते हैं द ग्राउंड इन इनको इसको तो बहुत नाम से जानते हैं पृथ्वी को तो एक हमारा चंद्रमा है इस पर यह सब हमने देख लिया मार्स की बात करें तो रोमन गॉड ऑफ वॉर है ये युद्ध का देवता है ये डस्टी है कोल्ड है डेजर्ट है कोल्ड डेजर्ट यहां पर पूरा पूरा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है मार्स के ऊपर कि पे जीवन संभव हो सकता है ठीक है इसके बाद चलते हैं जुपिटर जुपिटर जो है दोस्तों इट इज मोर देन ट्वाइस एज मच एज द अदर प्लैनेट सारे ग्रहों को जोड़ के दुगणा कर दो उसके बराबर अकेला जुपिटर है गैस जाइंट बोलते हैं इसको दोस्तों इसको रोमन देवताओं का राजा कहा जाता है साइज इतना बड़ा है ना इसलिए कहा जाता है ठीक है इसमें चंद्रमा देखो 79 नाइन दिखाएं बट ये आप नहीं है। आप एन के डेटा के साथ आ जाओ मैं सिर्फ आपको नाम बता रहा हूं कि नाम कहां से आए हैं रोमन गोड कहते हैं इसको क्या किंग ऑफ द रोमन गोड जैसे इसको कहते हैं फादर ऑफ द जुपिटर जुपिटर के पापा हैं कौन है सेटरन ठीक है सनी जुपिटर के पापा कहते हैं इसके चारों तरफ ये रिंग है बहुत सुंदर है ये रिंग बहुत सुंदर दिखती है ये सुंदर रिंग जो है वो गैस और डस्ट पार्टिकल की बनी हुई है

Pluto यार आपको पता है इसको कैटेगरी में रखते हैं और इसका नाम होता है ठीक है, है. है, है. है. है अब इसमें एक वर्ड और आया है तारामंडल तारामंडल क्या होते हैं ठीक है इसमें नक्षत्र मंडल सॉरी नक्षत्र मंडल का एक शब्द आया देखे ना रात्रि में आसमान की ओर देखोगे ना आप तो आपको विभिन्न तारों का एक समूह दिखता है जैसे ये दिख रहा है समूह आपको ऐसे बहुत सारे तारों का ना ग्रुप दिखता है और इन तारों के समूह का हम अलग अलग नाम से जानते हैं जैसे ये बन रहा है ना अब अगर गिनोगे काउंट करोगे एक दो तीन चार पांच छह सात सात तारे इनको बोलते हैं सप्तऋषि अब ये ये कह रहा है कि ये तारों आपको एक 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 उसमें दिखते हैं एक शेप में ना उनको हम तारा मन, नक्षत्र मंडल कहते हैं क्या बोलते हैं नक्षत्र मंडल ये रहा इनको नक्षत्र मंडल कहते हैं जैसे सप्तऋषि हो गया इसमें सात तारे होते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे नक्षत्र मंडल है जैसे अर्सो मेजर ठीक है बिग बियर

हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में पाया जाता है इसलिए नॉर्थ की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है ठीक है तो ये नॉर्थ की डायरेक्शन में रहेगा अच्छा बच्चों एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा जो सारे बच्चे हैं हमारे साथ यहाँ पे हमारी ना डेली रात में दस बजे हम एक क्विज़ की क्लास करते हैं करंट अफेयर बेस्ड क्विज होती है और ये जो करंट अफेयर बेस्ड क्विज़ होती है ना ये हिंदी इंग्लिश बाइलिंगल करते हैं हम मतलब दोनों भाषाओं में होती है ऐसा ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक भाषा में होती है इंग्लिश में हिंदी में नहीं होती तो ये दोनों भाषाओं में क्लास जो है हम करते हैं सो so, मैं चाहता हूँ कि आप सारे बच्चे जो मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं ना ये उस क्लास पर भी जुड़ जाएँ और उसके लिए देखो मैं लिंक आपको दे देता हूँ देखो आप कमेंट बॉक्स देखोगे ना तो आपको लिंक दिख जाएगा ये क्लास है इसमें एनरोल कर लेना और अभी मेरे साथ में आ जाना टेलीग्राम चैनल आपको दिख गया वहाँ पे भी शेयर करूंगा उसमें भी आप मेरे साथ में ये डेली हम करते हैं तो आप इसमें मेरे साथ करंट अफेयर की क्विज कर सकते हो तो इसमें यही बताया गया कि ध्रुव तारे से आप डायरेक्शन क्योंकि ध्रुव तारा ऑलवेज नॉर्थ में होता है और ध्रुव तारा आप कैसे देख सकते हो ये जो सप्तऋषि है इसके दो तारे इसी की तरफ इंडिकेट करते हैं अब दोस्तों अन अकेडमी का एक बढ़िया ऑफर चल रहा है अगर आप जुड़ना चाहते हैं अकेडमी से दोस्तों ट्वेंटी फोर मंथ का सब्सक्रिप्शन ऑफर है जाने से पहले मैंने बताया अभी क्लास है उसमें आना सारे के सारे बच्चों को आना है

प्लस के अंदर में लाइव क्लास वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस होती है आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है ये फर्क है यहां पर आप सिर्फ जीएस भी ले सकते हो ये जीएस का प्राइस है बारह महीने अट्ठारह चौबीस छत्तीस लेकिन जब आप मेरा कोड लगाओगे तो टेन डिस्काउंट ऐसे इधर भी है ठीक है एक साल डेढ़ साल दो साल तीन साल इस पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा आइकॉनिक का है ऑप्शनल भी ले सकते हो ठीक है ज्योग्राफी ऑप्शनल मैं आपको पढ़ाता हूं तो जो भी बच्चा जुड़ना चाहे जुड़ सकता है नाउ दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन दोस्तों अभी मिलेंगे अनकेडमी पे एक स्पेशल क्लास में सो ऑन दिस नोट एम एंडिंग दिस सेशन थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय जय हिंद कल फिर इसी समय इसी समय मुलाकात दोबारा होगी बाय टेक केयर टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम फॉलो करना नहीं भूलना है ढूंढ लेना इंस्टाग्राम पे मिल जाऊं